मेरे हिसाब से जो जो ये जो जीवन गुजरा, ये जो 8-9-10 साल गुजरे तकलीफ में, कट तो गए, उस समय भी कट गए थे, और बट बहुत कुछ सिखा गए। डर, शर्म और गुस्सा। डर इस चीज़ का कि यार ये वापस नहीं होना चाहिए, मतलब कि जब आप ऊपर से नीचे आते हो ना, तो आपको ज़्यादा समझ आती है ज़िंदगी। आप एक नीचे ही रहते हो और वहाँ से धीरे धीरे ऊपर जाते हो, तो आपको सब नॉर्मल लगता है बराबर। जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो एकदम से आपको झटका लगता है, रियलाइजेशन होता है कि यार व्हाट वाज आई एंड व्हाट इज़ दिस, सो देयर वाज अ डिफरेंस। वो जो डर, वो घबराहट, वो शर्म आपके साथ आती है एकदम से, और वो आपको रियलाइज कराती कि ये होना नहीं चाहिए वापस। आपकी फिल्म के लिए जो मैंने गीत लिखा है, बहुत प्यारा गीत है, वो मुझे मिल गया। प्लीज, तो अगर आप गा सके, आप मना भी करें तब भी मैं गाऊंगा। प्लीज, और फिर हम फिल्मों की, मतलब बिफोर यू सिंग आई विल टेल यू दिस सॉन्ग बिकेम द सोल ऑफ दैट फिल्म, सिया इट बिकेम द सोल। प्लीज, एक पंख की तितली उड़ने चली, एक पंख की तितली उड़ने चली, आसमां हंसता है ओ पगली, एक पंख की तितली उड़ने चली, आसमां हंसता है ओ पगली, तीली तीली सिली सिली नजर जली, तीली तीली सिली सिली नजर जली, किस्मत की है धार नुकीली करम जली, ओ लिपट लिपट कर लपट लपट है जलने कली, हंस के जीभ पे रख ली विष की डली, एक पंख की तितली उड़ने चली, आसमां हंसता है ओ पगली, ओ पगली। थैंक यू। और इसमें जो आपने लास्ट में एक थोड़ा सा ट्वीक किया था कि लो अब ये उड़ चली, ख्वाहिशों की साजिशों की खबर मिली, ख्वाहिशों की साजिशों की खबर मिली, हिम्मतों के शहरों में है बात चली, हिम्मतों के शहरों में है बात चली, ओ दिल को टटोले लफ्जों को तोले बावली, ओ दिल को टटोले लफ्जों को तोले बावली,
चलते चलते पहुंची ख्वाबों की गली, एक पंख की तितली लो उड़ चली, आसमां पे हंसती ये पगली, आसमां पे हंसती ये पगली। वाओ, क्या लिखते हैं साहब आप, दिल से उतरते हैं। तो आप अचानक डायरेक्टर बन गए, एज इफ आप इतनी सारी चीज़ें कर रहे थे ज़िंदगी में, वो काफ़ी नहीं थी, और आपने इतनी खूबसूरत फिल्म बना दी और हम को प्रेरित किया कि हम आपको उसका एक छोटा सा हिस्सा बने। तो उस सफ़र के बारे में बताइए और ज़िंदगी का ये पन्ना खोलिए। फिल्में छोटे शहरों में, वैसे ही फिल्मों के द्वारा ही हम बाहर की दुनिया झांक पाते थे, इतना घूमना फिरना भी नहीं होता था, साल में एक आध दो बार बाहर जाते थे कहीं नहीं, तो फिल्मों से ही हम अपने आप को टटोलते थे कि हम कहाँ तक पहुँचेंगे, हमें कहाँ तक जाना है। और ख़ास करके उस समय का जो दौर था, बता रहा हूँ 1985 से लगा के 95 तक, कुछ फिल्में ऐसी थी जो, और छोटा शहर था तो फिल्में लेट भी आती थी पहले, मतलब कि जैसे अमिताभ की अगर नसीब रिलीज़ हुई है जनवरी में तो वहाँ नवंबर दिसंबर तक पहुँचती थी रील, और थोड़ी घिसी हुई, मतलब वो मिलती वैसे ही थे, प्रिंट बोलते थे, प्रिंट पुराना है प्रिंट नया है। तो तब तक हम इतना कुछ पढ़ चुके होते थे उस फिल्म के बारे में, तो जब हम फिल्म देखने जाते तो एक अलग त्यौहार का सा माहौल होता था, और फिर जब देख के आते थे तो उस पर डिस्कशन दोस्तों के बीच में कई घंटों तक, कई दिनों तक चलता रहता था, और एक एक सीन पे एक डिस्कशन चलता था। तो कहीं ना कहीं वो मन में रहता था कि यार ये दुनिया बहुत ही अच्छी दुनिया है, आप जो चाहो जो कर लो, जो चाहो जो बन जाओ, जैसे चाहो वैसी कहानी कर लो। तो फिल्मों से मेरे ख्याल से जुड़ाव वहीं से मेरा शुरू हुआ, खास करके अमिताभ बच्चन की फिल्में देख देख के। और मैं एक बार दो तीन साल पहले किसी ने पूछा, मतलब कि क्या, मतलब क्या ऐसी चीज़ जो आप हमेशा अभी भी याद रखते हो, तो उसमें मैंने बताया था कि वो जो मुकद्दर का सिकंदर का जो गाना है, मेरे ख्याल से अनजान ने लिखा था वो गाना, जिसमें है कि ज़िंदगी तो बेवफा एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है जो साथ अपने लेके जाएगी, हंस के जीने की अदा को जो दुनिया को सिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर। और वो रोड पे मोटरसाइकिल चलाते हुए, बॉम्बे की रोड है, वो गाना इतना जहन में बैठा, मतलब उस गाने को खैर हजारों बार हमने सुना होगा, पर वो फिलॉसफी सी हो गई लाइफ की कि ज़िंदगी तो क्षणभंगुर है, तो कभी ना कभी किसी न किसी दिन जाएगी, और मौत से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मौत तो साथ लेके जाएगी और मौत निश्चित है। तो वो जहन में रहा, और उसके बाद ये क्लैरिटी भी आई जब हम बड़े होने लगे तो कि बिना पैसे फिल्में में बनेगी नहीं, और तो साइड में रख के काम कर लें, कुछ पैसे वैसे बना लें। तो जब एक लेवल आया 40s में, जब मैं 40 का हुआ, सब कुछ सब संभल गया और सब अच्छा होने लगा, तो फिर मैंने कोशिश शुरू करी कि फिल्म में कैसे भी करें, बट हमारा कोई कनेक्शन था नहीं। तो सोशल मीडिया उस समय आया ही आया था, ट्विटर वगैरह 2009 में ट्विटर आया, 2010-11 की बात है, 12 की, तो रजत कपूर का एक ट्वीट आया था जिसके बारे में हमने काफ़ी बार बात कर रखी है, तो कि भाई मैं फिल्म नहीं बना सकता, कोई मेरी फिल्म बनाना नहीं चाहता, मैं थिएटर जा रहा हूँ वापस, वही मेरा काम है। मैंने इसको पढ़ा और मैंने जवाब दिया कि लुक, इफ़ यू डोंट माइंड आई कैन प्रोड्यूस दैट फिल्म, बिना स्टोरी समझे, बिना स्क्रिप्ट समझे। तो फिर हम लोगों ने कनेक्ट किया, एक दूसरे को फॉलो किया, फिर बातें शुरू करी, फिर मैं बॉम्बे पहुँचा, स्क्रिप्ट पढ़ा, उन्होंने स्क्रिप्ट भेज दी थी दूसरे दिन, फिर स्क्रिप्ट पढ़ा, मुझे अच्छी लगी, मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी कहानी है, पर मेरी चिंता थोड़े बजट पे भी थी, तो मैंने कहा एक बार चलते हैं बातचीत करते हैं। फिर उन्होंने कुछ अमाउंट बताया, 3-4 करोड़ वो मेरे अंदर का था, मैंने कहा ओके डन करते हैं। तो इस तरीके से आंखों देखी बनी, लेकिन उसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। तो मैं नाइजीरिया में काम करता हूँ, अब वो किसी आदमी को नाइजीरिया से मैसेज करो मैं बना देता हूँ, तो वो 4 बार सोचता है कि भाई क्या करना है। तो जबकि मैं बॉम्बे आया, मिला करा,
उन्होंने और फिर मैंने ऐसे बोला साइनिंग ट्रांसफरिंग मिलियन डॉलर्स मैंने साइनिंग अमाउंट भी जो भी था 5-7-8 लाख रुपए दे दिए. मैंने कहा काम शुरू करो. 10-15 दिन बाद उनका फ़ोन आया मेरे पास कि यार मनीष नींद नहीं आती है. मैंने कहा क्या हुआ? बोले यार आपने साइनिंग अमाउंट तो दे दिया, काम भी मैंने शुरू कर दिया, कमिटमेंट अमिटमेंट सबसे, और तुम तो भाग गए, कल को तो आओ ही नहीं, अब मैं क्या करूँगा, मतलब कैसे होगा. तो मैंने उनसे पूछा कि भाई कितने परसेंट पैसे में मतलब आपको नींद आ जाएगी बढ़िया से. तो उन्होंने बोला कम से कम 50% तो कर दो. तो नेक्स्ट दिन मैंने 50% ट्रांसफ़र कर दिया. मैंने कहा मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ आपको नाइजीरिया का, आप उस पर काम शुरू करें. और तो देन ही वॉज वेरी हैप्पी कि भाई ठीक है अब फिल्म बन रही है. तो दैट वॉज नाइजीरिया इंसिडेंट एंड नाइजीरिया कनेक्शन. बट दैट्स हाउ द जर्नी ऑफ फिल्म स्टार्टेड. आँखों देखी. बट मैंने ये सोचा था कि इसको एक टिक करना है, एक फिल्म बनानी है और फिर अपना काम हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे. जो फिल्म बनी, फिल्म बहुत बड़ी बड़ी बढ़िया बनी और लोगों ने अप्रिशिएट किया. तो एक थोड़ा दिल में ये लगा कि हम क्यों नहीं अच्छी फिल्म बना सकते हैं, अगर बना सकते तो. और दूसरा उसमें मुझे हुआ फाइनेंशियल नुकसान, हुआ 6-7 करोड़ रुपए मेरे टोटल डूबे उसमें. तो ये भी था कि यार नुकसान करके तो क्या ही जाएं, तो आए हैं तो अब इसमें बैठ के एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से इसको करते हैं, क्या क्या गलतियाँ हैं, क्या क्या लर्निंग है. गलतियाँ तो नहीं कहते, लर्निंग्स क्या क्या हैं उसको हम सीखें, उसको हम करेक्ट करें और शुरू करते हैं नए सिरे से. दैट्स हाउ दृश्यम वाज बोर्न. एंड देन वी डिड अ स्ट्रक्चर टीम कॉस्ट. जो फिल्म का प्रोडक्शन हमने अपने अंडर में ले लिया एंड सारा कुछ कंट्रोल करके, बजट को कंट्रोल करना एंड ऑल दोस थिंग्स. सो देन वी स्टार्टेड दिस सीरीज ऑफ फिल्म. एंड धीरे धीरे फिर ये फिलॉसफी तो बनती गई कि हम कंटेंट ड्रिवन सिनेमा बनाएंगे, अच्छा से बनाएंगे और हम अपने ऑब्जेक्टिव पे अड़े रहेंगे, अपने एक दायरे में रहेंगे और लोगों को इनवाइट करेंगे उस दायरे में आए, लोग ज़्यादा बढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें उसको, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करें और एक हमारा बेस बने. उस समय मैं बात करूँ तो भाई टारगेट वाज कि 10-15 लाख लोग जुड़ जाएँ, कि अगर दृश्यम की कोई फिल्म आ रही तो ये 10-15 लाख लोग बिना एडवर्टाइजमेंट के भी आके देखें. तो उसमें क्या है कि दैट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 10-12 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, विच इज़ गुड इनफ. एंड देन फिर OTT का आने का ज़माना हुआ तो उससे और हमें फ़र्क पड़ गया कि भाई अब तो 4-5 करोड़ बॉक्स ऑफिस भी चलेगा ब्रेक इवन के लिए. एंड व्यूअरशिप बढ़ी है बिकॉज OTT में हमारी पुरानी फिल्में भी हैं. तो जो लोग आँखों देखी देखते हैं तो फिर मसान भी देख लेते हैं, फिर राम प्रसाद की तेरी भी देख लेते हैं कामयाब. तो उसके बाद दृश्यम थोड़ा और ज़्यादा घरेलू नाम हो गया कि भाई चलो ये अच्छी फिल्में बनाते हैं. तो अब हमें शायद आसानी होगी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो ये जो व्यूअरशिप का जो बैंक है वो बढ़ता जाएगा. और अगर हम बजट कंट्रोल में रखें और व्यूअरशिप बैंक बढ़ाते रहें धीरे धीरे धीरे, तो जो भी फिल्म हम बनाएंगे सच्चे लगन से तो वो ब्रेक इवन तो करेगी करेगी. और वो अगर दर्जा हासिल हो जाए तो 5 में 7 में से 1 फिल्म अच्छा कमा दे जाएगी, बहुत अच्छी बात है. नहीं तो ऑलमोस्ट एवरी फिल्म ब्रेक इवन कर जाए वो भी बहुत बड़ी बात. बिल्कुल बिल्कुल. तो वो ऑब्जेक्टिव है और उस फिलॉसफी पे काम कर रहे हैं. बस इच्छा ये है कि हम कुछ ऐसी 25-30-40 फिल्में बना लें जब हम साइन ऑफ करें. उसके बाद अगर कोई पूछे कि भाई इंडिया को समझना है तो बोले कि दृश्यम की ये 40-50 फिल्में देख लो. हार्टलैंड की कहानियाँ हैं, देश भर की कहानियाँ, सोलफुल कहानियाँ, सिर्फ समझ जाओगे कि देश हमारा कैसा और क्या नहीं है. सो दैट सॉर्ट ऑफ कोलाज ऑफ फिल्म्स वो मेरे दिमाग में है. कि तो अलग अलग फिल्मों का अनुभव बताइए. मसान का मसान आई ऐसे कि आँखों देखी का लिरिक्स वरुण ग्रोवर ने लिखे थे. तो वरुण ग्रोवर से जब हम मिले आँखों देखी के हिसाब से, तो उन्होंने बोला कि एक हमारे पास कहानी है जो 2-3 साल से मैं और नीरज गिवान लेके घूम रहे हैं, बहुत अच्छी कहानी आप सुन लो. तो मैंने कहा आपने लिखी है? हाँ. तो मैंने कहा कि बिल्कुल सुनते हैं. उसी दिन होटल में हमने सुने, आधा घंटा में मुझे कहानी पसंद आ गई. मैंने कहा हम करते हैं इसको. तो उन्होंने विश्वास नहीं किया. अगेन वरुण और नीरज गिवान बोले यार 3 साल से लेके घूम रहे हैं, कोई ऐसे हाँ नहीं कर रहा. मेरे कुछ सजेशंस थे 2-4, मैंने कहा वो मुझे थोड़ा ऑब्जेक्शन लग रहा है ऐसे 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 ये है. बोले वो सब कर लेंगे बट आप पक्का बोल रहे हो ना? मैंने कहा पक्का बोल रहा हूँ. तो दैट्स हाउ मसान केम इनटू बीइंग. एंड देन वी शॉट इन बनारस.
ज़्यादा दिन मैं जा नहीं पाया था, मेरे ख्याल से 2-3 दिन ही जा पाया मैं। जनरली मैं शूट पे 2-3 दिन, 1-3 दिन ही गया, बट शूट से पहले के डिस्कशन काफ़ी मैं कर लेता था। पर उन्होंने रिस्पॉन्सिबली जिस बजट में हमने तय किया था, मेरे ख्याल से 3-3.5 करोड़ कुछ ऐसा था, कंप्लीट किया फिल्म को और फिल्म अलग लेवल पे गई। वैसे ही अगर आप धनक की है, धनक नागेश कुकनूर ने आंखों देखी देखी सिनेमा हॉल में, फिर उन्होंने ढूंढा मुझे, एक हमारा कॉमन फ्रेंड था उसके थ्रू, सुधीश कामत करके, तो सुधीश ने मेरे को मिलवाया नागेश से, फिर हमारी मीटिंग हुई और फिर उन्होंने कहा कि आज फिर चलते हैं आंखों देखी देखने। उस समय मैं बॉम्बे में ही था और चल, तो हम दोनों गए हॉल में देखे। देखने के बाद उन्होंने बोला कि मेरे पास एक फिल्म है, वहीं पर उन्होंने धनक की कहानी सुनाई सिनेमा हॉल के कैंटीन में कॉफ़ी पीते हुए, और मैंने कहा ये करते हैं, ये मेरी कहानी है, बट मेरा शर्त ये जो जोधपुर राजस्थान में करते हैं। बोला एक पक्का वहीं करेंगे, ऐसे धनक हुई। फिर न्यूटन है, उस बीच में रुख है, कड़वी हवा, कड़वी हवा नील माधव पांडा की फिल्म है, और उन्होंने जब स्टोरी सुनाई मैं इतना कन्विंस नहीं था, पर मैंने कहा कि आप इसको बनाओ और बन जाए, उसके बाद मैं देखूंगा, फिर बोर्ड में आऊँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जो आप बोल रहे हो वो आप कर पाओगे। तो उन्होंने चैलेंज लिया, वो जाके बना के लाए और मैंने देखा और मैंने कहा डन है, आई एम ऑन बोर्ड, ये लो मेरे पार्ट का पेमेंट। तो दैट्स हाउ एंड इट वेंट टू विन नेशनल अवार्ड कड़वी हवा, एंड संजय मिश्रा जी ने गजब का उसमें वो किया है एक्टिंग। फिर न्यूटन की भी कहानी वैसी है, अमित मासूरकर की मैंने एक फिल्म देखी थी, छोटी फिल्म आई थी सुलेमानी कीड़ा, मुझे लगा है कि बहुत प्रोग्रेसिव, मतलब एक बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर लग रहा है, कॉमिक सेंस अच्छा है, तो मैंने उनको कनेक्ट किया और फिर उन्होंने बोला कि हाँ मेरे पास एक स्टोरी है लेकिन थोड़ी क्रांतिकारी है, बना पाओगे? मैंने कहा सुनाओ। तो तय हुआ कि मैं एयरपोर्ट जाऊँगा ऑफिस से, नहीं होटल जाऊँगा और होटल से मैं एयरपोर्ट जाऊँगा सामान लेके, ये जो पूरा दो ट्रिप है उसमें आप गाड़ी में बैठ जाते हैं, हम साथ में सुनते हैं। तब तक होटल तक गया, तब तक मैं कंसेप्ट सुन लिया, मैंने कहा मुझे ये करनी है, अब आप बताओ कब स्क्रिप्ट दोगे। ऐसे न्यूटन का हुआ। फिर वो राम प्रसाद की 13वीं जो है फिल्म, वो सीमा पावा जी एक इंटरव्यू कर रही थी, राउंड टेबल टाइप का कोई एक कर रही थी शायद फीमेल एक्टर्स के ऊपर था, तो सपोर्टिंग एक्टर्स बोलते हैं बट मैं एक्टर्स बोलता हूँ, तो वो था, तो उसमें उनसे पूछा गया कि भाई और क्या आपको लग, बोले भाई स्क्रिप्ट लेके घूम रहे हैं 3-4 साल से, लोग सुनते नहीं, बनाते कोई नहीं। तो वो मेरे ख्याल से हमारी दृश्यम की टीम में सुप्रिया है शायद, उसने सुना या किसने सुना, एक ने सुना, मैंने नहीं सुना था, उसने सुना, उसने राघव को बोला कि यार सुना, बोला यार दिखाओ जरा, तो वापस वो इंटरव्यू देखा हमने, मैंने कहा इनसे बात करते हैं, इनकी स्क्रिप्ट सुनते हैं, तो हमने उनको इन्वाइट किया, स्क्रिप्ट सुनी, पसंद आई हमें, हम बोले हम बनाते हैं, तो शी ऑल्सो एक्साइटेड कि यार कहाँ कहाँ से खींच के निकाल। तो वो हुआ। फिर हमने एक फिल्म बनाई कामयाब, कामयाब में हार्दिक पटेल विक्रम मोटवानी के साथ काम हुई, विक्रम चूँकि हमने मसान बनाई थी फैंटम के साथ, तो एक जान पहचान थी, तो विक्रम ने रेफ़र किया था कि भाई ये हार्दिक है, एक शॉर्ट फिल्म बना रहा है, जरा आप सुन लो। तो जब मैंने, फिर मेरे को 10-15 दिन लग गए, फिर हार्दिक से कनेक्ट किया, तो उसने शॉर्ट फिल्म भेजी मेरे को, बना दी उसने, 7-8 मिनट की थी फिल्म, मैंने देखी और मैं उसको ढूंढने लगा, मैंने कहा तो ही टुक लाइक 12 hours, 14 hours टू कम बैक, और मैंने कहा यार तुमको मैं ढूंढ रहा हूँ प्लीज़, तो उन्होंने कॉल किया, फिर मैंने कहा कि आपकी नेक्स्ट फिल्म मैं बना रहा हूँ, फर्स्ट फीचर फिल्म मैं बना रहा हूँ, स्क्रिप्ट है आपके? बोले हाँ है। मैंने कहा भेजो, हमें भेजी कामयाब की, फिर हमने उस पर डिस्कशन किया, हमने उसको साइन किया और उसकी शॉर्ट फिल्म भी हमने रिलीज़ की थी, दैट्स हाउ कामयाब। और फिर घात मराठी फिल्म हमने बनाई, रुख बनाई, रुख बर्लिन में था मैं, तो ये दोनों यंग कपल थे तनु और पूजा, शी इज़ अ सिनेमेटोग्राफर एंड वो एडिटर एंड वांटेड टू बिकम अ डायरेक्टर, तो उसने एक शॉर्ट दिखाया था मेरे को, एक शूट किया था उसने कंसेप्ट ऑफ रुख,
बर्लिन में दोनों जन बर्लिन आ रहे टैलेंट में थे, तो वहाँ मुझे दिखाया, मुझे वो इतना अच्छा लगा कि मैंने उसको 100 यूरो वहीं पकड़ा दिए, बोले साइनिंग अमाउंट है, लेट्स डू दिस। स्टोरी भी नहीं सुनी, स्क्रिप्ट भी नहीं, खाली शूट वो मैंने देखा होगा 3 मिनट का कुछ छोटा सा सीक्वेंस था, ऐसा रुख किया मैंने। बट इन सब में ये था कि एक क्रिएटिव कंसेप्चुअली क्रिएटिव इंटेलिजेंस था मेरा, ये नहीं ये कर लो, वो नहीं ये कर लो, और लोगों ने समझा भी, सुना भी, और एडिट में भी था और इसमें भी था, ट्रेलर्स में, पोस्टर्स में। बट एक लिमिट तक होता है कि एज अ प्रोड्यूसर यू कांट गेट इनसाइड दैट टेरिटरी एंड डू इट, बट जब आप पॉइंट रेस करते हो तो जेन्युइन लगता है, तो डायरेक्टर ऑल्सो एक्सेप्ट इट कि ठीक है करो। बट सब फिल्में उनकी ही, मतलब दैट्स देयर क्रिएटिव हाँ विजन, एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाटएवर दे डिड एंड ऑल क्रेडिट गोज टू देम। बट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मुझे ऐसा लगा कि मैं कर सकता हूँ, डायरेक्ट कर सकता हूँ, मेरे को जब भी मैं स्क्रिप्ट भी सुनता हूँ तो मेरे को विजन आता था बहुत क्लियर। और मेरा तरीका भी यही होता है कि कहानी अगर आप मुझे नरेट भी कर रहे हो और मेरे को विजन क्लियर आ गया, आई एम कन्विंस, तो मैं हाँ कर देता आधे में ही। तो वो विजुअल्स आने के बाद ना, तो मुझे लगा कि आई कैन सी इट, आई कैन सी द स्क्रिप्ट, आई कैन सी द स्टोरी, इफ़ आई कैन सी इट आई कैन मेक इट। दैट्स हाउ द होल आइडिया ऑफ डायरेक्टिंग स्टार्टेड कमिंग इन। बट सिया के केस में ऐसा हुआ कि जब ये 2-4 केस ऐसे होने लगे और सुर्खियों में, तो मुझे थोड़ा सा आई वॉज वेरी मच अफेक्टेड अबाउट इट, इस पर बात होनी चाहिए, इस पर कुछ बनना चाहिए। तो उस उन दौरान जो है वो भी था, तो मैंने एक बहुत रिप्यूटेड स्क्रिप्ट राइटर हैं, उनको मैंने कमीशन किया कि आप इस मुद्दे पे कहानी बनाएं, स्क्रिप्ट बनाएं। वो बना के भी लेके आए, बट उसमें वो जो लिख के लाए वो बिल्कुल ही मेरे को समझ से परे था, क्योंकि वो मैं वैसी फिल्म बनाना ही चाहता था कि हम पहले जो भी है 15-20 मिनट तो रेप ही दिखाएं, उसके बाद कहानी शुरू करें। तो मैंने कहा मुझे, मेरा वो ऑब्जेक्टिव है नहीं, मुझे रेप के बाद का दर्द और उसकी मजबूरियां और उसका जस्टिस की बात करनी है। तो फिर मैं खुद लिखने बैठा और हमने उसको करीब 6 महीने में पूरा रिसर्च सर्च करके 3-4 केसेस को पढ़ के जगहों में जाके हमने कंप्लीट किया, बहुत ही डिटेल में रिसर्च किया हमने, हजारों पेज का रिसर्च, सम सर्वाइवर से मिले, उनसे सुने, उनसे समझे। स्क्रिप्ट बनने के बाद मुझे लगा कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं खुद ही जब मैंने लिखी है, दैट्स हाउ। तब तक नहीं था कि नहीं, तब तक था कि मुझे करना चाहिए, लेकिन जब स्क्रिप्ट लिख के जब सामने है तो आई गॉट द कॉन्फिडेंस कि मुझे ये करना चाहिए। फिर भी 6-8 महीना मैं बैठा रहा, करूँ नहीं करूँ, आई वॉज लुकिंग फॉर दैट मोटिवेशन, एक स्पार्क होता ना कि नहीं बस करते हैं, देन आई गॉट इट एंड आई गॉट इट एंड देन डिड इट। तो वो जर्नी शुरू हुई, तो अब देखते हैं कहाँ तक चलती है। और भी फिल्में बनाने का मन है, बहुत सारी फिल्में बनाने का मन है। प्रोडक्शन तो खैर चलता ही रहेगा, बट डायरेक्शन में भी मुझे लगता है कि एक एक मेरे पास एक एम्पावरमेंट है भगवान की, और उस एम्पावरमेंट के हिसाब से मुझे सोशल इश्यूज पे और बहुत ही जो रेलेवेंट इश्यूज हैं, जिस पे ज्वलंत इश्यूज हैं, जिन पे बात करने से हम अक्सर कतराते हैं या घबराते हैं या एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि आप किस बैकड्रॉप में बात करना चाहते हो, तो ऐसी फिल्में बनाएं जो लोग बोले अच्छा यार डिस्कस मत करो, इस फिल्म को देख लो फिर बात करते हैं, तो वो देख इट गिव दम ए बैकड्रॉप। वैसी फिल्में बनाना चाहता हूँ, और वो अगर अच्छी सी बन जाए 2-4 इश्यूज पे, तो लगता है आई विल डू ए गुड जॉब, दैट्स हाउ इट इज। लेकिन जब आपने पहला कदम लिया होगा प्रोडक्शन का भी और डायरेक्शन का भी, तो आप एक परफेक्ट चलता फिरता स्टीरियोटाइप थे, एक वेल टू डू इंसान जिसका फिल्मों से लेना देना नहीं है, जो फिल्में बनाना चाहता है। बॉलीवुड ऐसे देखता है, बॉलीवुड ने ऐसे पहले या फिल्मी दुनिया ने ऐसे हज़ारों या सैकड़ों अमीर लोग देखे हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, जिनको ग्लैमर की चाह है, और बेटों ने कहा कि भैया फलाना हीरो के बगल में फ़ोटो खिंचानी, चल बेटा पिक्चर बना लेते हैं, राइट। सो शुरुआत में व्हेन यू पिक्ड अप द फोन ऑन पीपल यू वर अ क्लासिक स्टीरियोटाइप, ऑन टॉप ऑफ दैट आप नाइजीरिया में रह रहे थे,
इसका सामना करना पड़ा आपके टू टेक यू सीरियसली एज अ प्रोड्यूसर? हाँ हाँ, एक तो दो चीज़ें इसमें किस्सा भी याद आया, तो जब आंखों देखी कि शूटिंग शुरू हो गई और मेरी इच्छा थी कि मैं शूट में भी जाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसा था कि इसके बाद शूट करनी नहीं है कोई दूसरी फिल्म को, मम्मी पापा सबको बुलाया, एकदम मेला लगा दिल्ली में 3-4 दिन सब, तो वो लोग तो एक दो दिन में बोर हो करके बोला यार ये तो क्या है, तो चलना चाहिए यहाँ से, तो आगरा वगैरह चले गए घूमने। मैं बैठा हुआ था तो संजय मिश्रा जी एक दिन रात में किसी ने बोला यही प्रोड्यूसर है, तो संजय मिश्रा और बोल दिया कि भाई देवघर से, तो मैं बोला बाबू इधर आओ इधर आओ। हाँ सर तुम ही बना रहे हो? हाँ बना रहे हैं। पैसा तो पूरा है ना? मैं कहा हाँ सर पूरा। अरे पैसा लौट के नहीं आएगा, बाबूजी आबूजी से पूछे हो। क्लासिक संजय जी। मैं सर हमारा ही पैसा। अच्छा तुम ही कमा लिए हो, तो बाबू ध्यान से रहना, यहाँ पे बहुत मिलेगा तुमको, शाम को बोलेगा ये फिल्म प्रपोजल वो फिल्म प्रपोजल, थोड़ी देर मेरे साथ बैठो तो हम भी एक प्रपोजल दे देंगे। तो थोड़ा संभल के रहना, बढ़िया काम कर रहे हो, बढ़िया फिल्म बनवा रहे हो, तो ये उन्होंने बोला था। तो आई रिमेम्बर्ड, मैं उन्होंने बुला करके बोला बाबू सुनो। बिल्कुल। तो वो हमेशा याद रहेगा। फिर उन्होंने न्यूटन में भी काम किया था, तो इन दोनों के बीच में फासला 6 साल का होगा, 5-6 साल का, आंखों देखी और न्यूटन के बीच में। जब वो न्यूटन शूट करने के लिए आए तो उनको गाड़ी जो सिस्टम जो मैकेनिज्म जो तामझाम उन्होंने देखा, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया वहाँ से, बोला कि यार 5 साल में दृश्यम कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए बाबू तुम, बहुत गर्व हो रहा है, वाह बहुत बढ़िया काम कर। तो द पॉइंट दैट वाज माय लाइक अल्टीमेट सर्टिफिकेट यू हैव डन वेल, कि जब हम आंखों देखे शूट करने जाते थे दिल्ली की एक छोटी सी होटल में, दो दो जन एक एक कमरा शेयर करके हम लोग कैसे भी कर रहे थे, और वहाँ से 5-6 साल में जब न्यूटन शूट करे तो वी वर वेरी प्रोफेशनल बाय दैट टाइम, सिस्टमैटिक एंड प्रोफेशनल, एंड दैट इम्प्रेस्ड हिम, एंड ही कॉल्ड मी एज सून एज ही वाज रिसीव्ड एट द एयरपोर्ट, एंड होटल कमरे में लेके गए हमको, बोले कि वाह बाबू बढ़िया काम किए तुम। सो दैट वॉज द थिंग। बट यस, हैविंग सेड दैट, द पॉइंट वॉज I knew I would be vulnerable. I knew people will like to take advantage of me. But at the end of the day, I'm a businessman. है ना, मैं मेरा ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था कि मुझे बेवकूफ़ नहीं बनना है, और जो भी कदम मैं उठाऊँगा बहुत सोच समझ के उठाऊँगा, और एक कॉम्बिनेशन की तरह। जब मेरे को ये जब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे ये फिल्म बनानी है, तो मैं कमर्शियली बहुत श्योर होना चाहता था, स्क्रिप्ट तो है ही है, ओपन एंडेड नहीं रखता था कि भाई 3 करोड़ है मेरे पास, भाई 2 करोड़ है या 2.5 करोड़ है, उसमें बनानी है तो बनाओ, नहीं बनानी तो मत बनाओ। 2-3 अच्छी फिल्में इस जिद के कारण मैंने छोड़ दी। स्क्रिप्ट भी पसंद आई, सब पसंद आया, नाम नहीं लूँगा, लेकिन स्क्रिप्ट वगैरह पसंद आई, और मुझे एस्टिमेट 2-3 फिल्में बना चुका था, धनक तक बना चुका, मसान तक, 2015-16 की बात। तो वो जो फिल्म जब मैंने सुना, सुन करके मैंने कहा कि 2.5 करोड़ फिल्म की कहानी अच्छी है, बजट 2.5 करोड़ है मेरे पास। तो साहब जो बैठे थे वो बोले कि 4 करोड़ में बनेगी। तो जो डायरेक्टर राइटर थे उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो चुप रहे। तो बाद में डायरेक्टर राइटर का फ़ोन आया, वो बोला कि 2.5 करोड़ में बना दूंगा मैं। तो मैं क्या बनाइए, बोले बट वो जो सज्जन जो ले करके आया है वो को प्रोड्यूसर बनना चाहता है, उनकी फीस है 1.5 करोड़। मैं कहा उन्हीं को बोले आप बनाए, फिर मैं थोड़ी बैठे बैठे उनको फीस दे दूंगा। तो वो एक किस्सा जिसमें वो फिल्म फिर बनी, अल्टीमेटली बनी, क्रिटिकली एक्लेम भी हुई वो फिल्म। बट आई थॉट कि वो फिल्म मैं बनाता तो मज़ा आता। तो ये हैं किस्से, बट ओवरऑल आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि हमने ये 12 फिल्में बनाई, चाहे वो सनडांस फिल्म फेस्टिवल हो, चाहे कैंस हो, चाहे कैन हो, चाहे बर्लिन हो, और ट्राइबेका, मतलब मेजर बुजान हो, हम सब फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किए, जीते हैं, और हम वहाँ तक ले गए फिल्मों को जहाँ तक हिंदी फिल्म को अभी पिछले 10-15-20 सालों में नहीं जाते देखा है।
तो वहाँ इन सब जगह जाने के बाद ये समझ में आया कि देर इज़ अ बेस, देर इज़ अ मार्केट आउट देयर फॉर हिंदी फिल्म्स एंड देर एक्सपेक्टिंग अस टू डू बेटर बट वी आर नॉट एबल टू गेट टू द एक्सपेक्टेशंस. जैसे ईरानियन सिनेमा ने किया या कोरियन सिनेमा ने किया या फ्रेंच सिनेमा भी है कुछ हद तक जो डिलीवर कर पाया, हम नहीं कर पाए. और वो एक है दुख हमेशा कि एक ये जो पॉइंट है क्रॉस पॉलिनेशन का, ब्रिंगिंग टेक्नीशियंस फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ब्रिंगिंग देम हियर, मेकिंग देम डू हिंदी फिल्म, ट्रेनिंग आवर फिल्म मेकर्स टू गो एंड गेट द एक्सपोजर देयर, वो एक इंटर एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है. हम कुप मंडूक बन के बैठे हैं, हम जो बना रहे हैं उसमें हम तालियां बजा रहे हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं. और बाहर संसार बृहद है, बड़ा है, मार्केट बड़ा है, उसको हम देख नहीं पा रहे हैं. तो वो मन में है कि अगर हम इस चीज़ को ब्रेक कर सके और बाहर निकल सके और ये क्रॉस पॉलिनेशन वाला हिसाब किया, कभी एडिटर वहाँ से मंगा लिया, कभी सिनेमाटोग्राफर वहाँ से मंगा लिया, उससे क्या कि सिनेमा का जो लेवल है, हिंदी सिनेमा का लेवल कहीं और जाएगा. देखते हैं कैसे होगी, कैसी रहेगी जर्नी. बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग तो बहुत ज़्यादा हो जाती है जब आपको ये प्रूव करना नहीं होता है, आप अपना एक रास्ता बना लिए होते हो, बस उन रास्तों पे चलना होता है. तो वही तलाश रहती है, नई कहानियाँ, नए लोग की जो हमारे बजट के अंदर सूट भी हो जाए और अच्छी कहानियाँ भी बोल जाएँ. देखें कब तक चलता है ये सब. आपकी कविताओं के लिए थैंक यू. मुझे भी आपसे स्केच बनवानी है बाय द वे. अच्छा. ये है स्लो बॉक्स. मैंने देखा हुआ इसको. तो जो हमारी कोशिश है कि देश के अलग अलग हिस्सों से, जैसे ये हमारे चंद्र प्रकाश शुक्ला जी ने बनाया हुआ है अमरा गुट्टी का, कैसे आप जो ग्रास रूट्स क्रिएटर्स हैं उनको कनेक्ट करें आज के वक्त में जब वो एल्गोरिदम के पीछे हैं और उनको उसी चमक दमक भरी दुनिया में एक जगह दें. तो नहीं, बहुत बढ़िया कंसेप्ट. और जो मेकर्स हैं उनकी फ़ोटो है उसमें, दैट इज समथिंग वेरी न्यू किसी भी क्रिएटर के लिए ना, विजिबिलिटी. तो थैंक यू सो मच फॉर दिस. And I have seen this in interview, so I was always expecting this. ये यहाँ से स्कूल है और झोपड़ी में शुरू किया था. तो उनकी पेरेंट्स की बहुत बड़ी तपस्या रही है. My father gave up his life in Canada. अच्छा. वापस आए to be able to do it. तो वो जो एक पर्सनालिटी टाइप होता है ना, मैं उनको अजीब लोग कहता हूँ जिनको दुनिया समझती नहीं. पर वो दुनिया को समझते हैं. बिल्कुल. ये पूरा फैमिली मैनेज्ड है. हाँ हाँ. बस अपनी सेविंग ये वो, तो वो है स्ट्रगल. पापा बैठे हैं. अच्छा. बटनों कर लेते हैं. हाँ पापा, मनीष मुंद्रा जी हैं. आप बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, फिल्मों को प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्ट करते हैं. यहाँ छोटे काम करने वाले आते हैं. लेकिन 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 उस सबसे वो है कि बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत मदद करते हैं लोगों की. और हाँ, इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग. आदमियों में 100% नहीं कॉमन है. बहुत बढ़िया. बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल में. हाँ जी. कब तो इस जगह बैठना उनके लिए सबसे बड़ा सुख है, उनके लिए भी और मम्मी के लिए भी. तो क्योंकि उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी से इसको बड़ा होते देखा है. मतलब उनका डर ही हमेशा ये रहा है कि हमारे बाद क्या.
और मेरे लिए ये रहा है कि अगर जो कन्वेंशनल सिस्टम है, एक गांव का स्कूल कैसे सरवाइव करेगा, गांव का बच्चा कैसे अपने आप को जगह बना पाएगा अपनी, तो हमने 4 साल पहले वर्चुअल क्लासेस शुरू किए. अच्छा. दुनिया से पहले. और फैन से कहा कि गांव के बच्चों को पढ़ाओगे, और कई लोग आए फिर. तो वो जहां भी हो दुनिया में, वहां से उन्होंने शुरू किया एक डोंगल से. फिर हमने कोविड के बीच में अगेन बेवकूफ़ी की अपनी सारी जो सेविंग्स थी उससे ये ब्लॉक बनाया, और ये इंटरनेट की व्यवस्था की ताकि जब शुरू हो तो वी आर सेट, बिकॉज हमारा काइंड ऑफ पायलट हैड सक्सीडेड. तो अब छोटा सा एफर्ट है कि हमने फिर जो मेन स्ट्रीम क्लासेस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को अब वर्चुअली क्लासेस इंटरमीडिएट और इंटर तक है कि कैसे यहाँ का बच्चा ग्राफिक डिज़ाइन भी सीखता है और फिजिक्स केमिस्ट्री भी, जिसके हो सकता है कि अच्छे केपेबल टीचर्स गांव में ना मिल पाए. तो मैं ख़ासकर कोशिश हमारी है कि रूरल एजुकेशन के लिए यही सोल्यूशन हो सकता है, जहाँ आपको टीचर नहीं मिलेगा, जहाँ आपको इंटरनेट के रिसोर्सेज नहीं आए. तो ये है. सो देयर इज अ क्लास गोइंग ऑन हियर. आई थिंक वी शुड गेट द एक्सपीरियंस. क्लास हो गई खत्म? अच्छा अच्छा, अब शुरू हो गई. ओके अच्छा. सर, उन टीचर्स के लिए भी नया था ये कि ये ऐसे बच्चों को पढ़ाना ये नया था. देन वी फिगर्ड कि ये लोग जो बोलते हैं, आप लोग जो बोलते हो टीचर सुन लेते हैं आराम से, पीछे की रो से भी सुन लेते हैं. क्योंकि मैंने देखा है लड़कियां कम बोलती हैं. मैं सुबह झांक रहा था इधर से. हाँ, आप लोग कम सवाल पूछते हो. अच्छा ठीक है, करिए करिए. तो यहाँ पे माइक्रोफोन कहाँ पे लगा? वहीं वो है, वो जो ऊपर है. सो इट वाज वेरी इम्पोर्टेंट कि जो आखिरी रो का बच्चा है वो बोले और टीचर सुन पाए और ये हो पाए. बहुत बढ़िया. हम भी स्कूल चलाते हैं जोधपुर में, सोसाइटी फॉर नेशनल डेवलपमेंट. वहाँ पे भी हमने शुरू किया, बट ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है. कॉमन सेंस ड्रिवन है. सी, यहाँ पर बच्चे साइंस नहीं पढ़ पाते थे तो सिर्फ कॉमर्स ले लेते थे और चले जाते थे. साइंस टीचर कैसे मिलेगा गांव में? तो ये जो हम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि रूरल एजुकेशन का इन इंडिया, दिस इज, आई मीन एटेक हैज बिकम अ बैड वर्ड, दिस इज गुड एटेक. अब मुझ में वो बिजनेस की अकल नहीं है कि जब मैंने शुरू किया था तो दिस कुड बिकम, दिस कुड गो टू यू नो थाउजेंड्स ऑफ स्कूल्स वेयर यू आर सेटिंग अप अ पूल ऑफ टीचर्स एंड यू आर कनेक्टिंग. जो टीचर ये पढ़ा रहे हैं ऐसे हम 5 स्कूल को और कनेक्ट कर सकते हैं. And then further record it and use it again. Yeah, yeah, yeah. But also because this is live and interactive. Yeah, so you can ask your question. तो वो भी नहीं है कि सिर्फ आपने recorded ही play किया है. तो और अब ये तो conventional वाले हैं, English speaking, computers, नीचे से graphic design हो रहा है. तो अब इसको कैसे, our vision is कि ये जो school है ये India का पहला वर्चुअल फर्स्ट बने रूरल स्कूल. कि हर क्लास में 35 कमरे हैं, पे सारे कमरों में एक एलिमेंट हो स्क्रीन वाला, और एक जो यहाँ का टीचर है वो भी सीख रहा है इन द प्रोसेस, एंड दे आर वेरी कीन ऑल्सो. तो दैट्स द विजन. एंड देन वी फील दैट इट इज़ एन आंसर, इट्स अ सोल्यूशन टू अ लॉट ऑफ द प्रॉब्लम्स विद रूरल एजुकेशन इन इंडिया. Which is why even शहरी भी अब धीरे धीरे the quality of teachers and yes, all are going down. It's a challenge, yeah. It's a challenge to maintain that level. Correct. Yeah.
तो वही है कि नई नई चीज़ें हम कैसे कर पाएँ, तो इसको हम एज अ स्किलिंग स्कूल इवॉल्व करना चाहते हैं. लेकिन स्किलिंग की परिभाषा भी अलग हो. लेट्स यू नो द स्टीरियोटाइप इज दैट गांव का बच्चा सीखेगा तो एक सर्टन तरह की चीज सीखनी चाहिए. कार्पेंट्री सिखा दो, ये कर दो, इट इज फाइन. बट व्हाट इफ ही वांट्स टू ग्रो बियॉन्ड दैट. तो मैं यहाँ पर एक रूरल इंक्यूबेशन सेंटर करना चाहता हूँ कि रूरल स्टार्टअप्स कैसे हों. सो अब यू नो वी आर ऑफुल एट सीकिंग फंडिंग, बट फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक वेस्ट गांव में जिसको कोई कुछ नहीं करता है, विच इज चोकिंग विलेजेस अनलाइक इन सिटीज वेयर देयर इज अ गार्बेज कलेक्शन सिस्टम. कैन दैट बी यूज्ड टू मेक रस्सियां प्लास्टिक की और डलिया बना लिया, और डलिया फिर हम शहरों में बेचेंगे क्योंकि वो दुनिया इस तरह की चीज़ों को ढूंढ रही है. तो यहाँ हमने अगर चार यंग लोगों को बोला कि भाई तुम्हारा ये स्टार्टअप है, तुम्हारा ये ऑफिस है, और एक रूरल इंक्यूबेशन सेंटर बना दिया, यू नो. सो आई थिंक दैट इज द एफर्ट. बट भी है ऑर्गेनिक फार्मिंग है, एब्सोल्युटली समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी बिग एंड लॉट स्कोप. या या थैंक यू. पीपल आर लुकिंग फॉर ऑर्गेनिक फूड. या आपकी कई पहचान है. आप एक कॉर्पोरेट दुनिया में सफल रहे हैं, आपने फिर प्रोडक्शन या फिल्मों की ओर कदम किया, आप डायरेक्टर बने. लेकिन मेरे लिए आपकी पहचान ये कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं. मेरा हमेशा ये शिकायत रही है दुनिया से और उन लोगों से जो सपोर्ट कर सकते हैं औरों को, कि डिसेंसी इज़ नॉट इंसेंटिवाइज्ड इनफ. कि ऐसे लोग जो मेरे माता पिता जैसे लोग, ऐसे लाखों लोग अपने अपने छोटे कोनों में मोहल्लों में कुछ ना कुछ कर रहे हैं भारत में, तो डिसेंसी को आपने और आपने बहुत सारे लोगों की जब कोविड के दौरान मदद की, वो नया चेहरा था आपका जो मैं दूर से देख रहा था. और सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि आपने किसी स्ट्रेटजी के तहत भलाई नहीं की, किसी बड़े प्लान के तहत नहीं की. भला होना कितना आसान या कितना मुश्किल है आज के वक्त में? आसान मैं मानता हूँ बहुत आसान है, लेकिन क्या होता है कि हमारे अपने भय होते हैं और हमारा अपना एक कंफ्यूजन होता है. मैं भी इवॉल्व हुआ हूँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ऐसा नहीं है कि आज से 10 साल पहले मुझसे मिलते तो शायद मेरे में ये गुण नहीं होते या ये विचार नहीं होते, पर जैसे जैसे आप ग्रो करते हो और एक रियलिटी जो आपके सामने आती है, जो आपने जो शुरुआत में आपने कहा कि सब कुछ ठीक है, आपने ये किया वो किया, ये कर रहे वो कर रहे, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप भले इंसान हो, दैट इज़ अ सर्टिफिकेट, एंड दैट सर्टिफिकेट इज़ द बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन हैव इन लाइफ, आपके रहते हुए और आपके जाने के बाद. बिल्कुल. बाकी अगर मैंने $10 बिलियन की कंपनी बनाई है, $20 बिलियन की, वो कोई और संभाल लेगा. बिल्कुल. मैं जाऊँगा उसको कोई और संभाल लेगा, या मैंने अगर प्रोडक्शन हाउस बनाया तो मैं जाऊंगा कोई और संभालेगा, या बिक जाएगा या कुछ और हो जाएगा, बट मेरे साथ जो जाएगा या मेरे साथ जो हमेशा रहेगा वो ये तमगा रहेगा, ये सर्टिफिकेट रहेगा. तो ये रियलाइजेशन मुझे पिछले 8-10 सालों में जैसे जैसे मैं इवॉल्व हो रहा हूँ, ये हो रहा है कि
जब हम जाएं यहाँ से, और जाना सबको है, जब हम जाएं यहाँ से, तो आप किस प्रकार से चाहोगे कि दुनिया आपको याद रखे? दैट इज द ऑब्जेक्टिव. एब्सोल्युटली. जब ये क्लैरिटी होती है कि एक तो जाना है और वो कभी भी जाना है, हर चीज़ मेरे दिमाग में ये होती कि इसकी ज़रूरत मेरे लिए अभी आज की तारीख में कितनी और मरणोपरांत कितनी है, क्योंकि मैं क्यों कर रहा हूँ ये काम. इसलिए कर रहा हूँ कि एक मेरे साथ तो कुछ जाएगा नहीं, अगर मेरे पास 100 रुपये हैं और 100 रुपये में मेरी ज़रूरत है 10 रुपये की है, तो 90 तो एक्स्ट्रा है मेरे पास. हो सकता है बच्चों को मिल जाए, बच्चों को अगर आपने पढ़ा लिया, पूत सपूत तो धन गाय संचय, पूत का पूत तो धन गाय संचय, तो बच्चों को आपने पढ़ा लिया, उनके पैरों पे खड़ा कर लिया, तो वो अपना कमाएंगे, उनको भी दो, 90 में से 20 दे दो, 30 दे दो, तभी 50-60 तो फालतू रह गए. सो डाइंग रिच, दैट मीन्स यू वर्कड हार्ड मोर देन वॉट वॉज रिक्वायर्ड बिकॉज यू हैड नो प्लान्स टू एक्सपेंड देम, राइट? तो यूज़ दैट मनी. लेट्स से अगर मेरे महीने में मैं 100 रुपये कमाऊँ, तो उसी समय 20 रुपये दान कर दूँ, क्योंकि पता है आपको कि आपका कंजम्पशन ही 10 होगा. 20-25 अगर बच्चों के लिए रख भी लोगे तो बाकी तो फालतू ही है. तो क्यों ना अभी करो, क्यों ना जो आपका दिल कह रहा है अभी कर लो. भगवान ने अगर मुझे मेरी ज़रूरत से ज़्यादा दिया है और कई गुना ज़्यादा दिया है, तो भगवान की भी कोई प्लानिंग होगी. मास्टर प्लानर जो एनर्जी है, मास्टर प्लानर है, तो सबसे बड़ी उसकी प्लानिंग ये रही होगी कि भाई ये अवेलेबल है तो मेरी जगह, मतलब हर बार तो मैं उतर के आऊँगा नहीं, तो इसके थ्रू लेट हिम बी द कॉन्डुइट टू डू व्हाटएवर. सो दैट्स आल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट फॉर नो रीज़न इफ़ यू आर अर्निंग मोर देन व्हाट यू डिज़र्व. एक तो डिज़र्व भी है एंड व्हाट यू रिक्वायर. डिजर्व का जो आंसर है वो आप खुद जानते हो, वर्ल्ड नहीं जानता, दुनिया नहीं जानता, आप खुद जानते हो कि भाई हाउ मच आई डिजर्व. ऐसा नहीं कि उड़ा दो, वेट करो, आराम से करते रहो, स्प्रेड आउट करो, बट करते रहो, बहुत शांति मिलती है. मतलब कई चीज़ें और दूर हो जाती हैं इसमें से. मुझे मैं रेजोनेट कर रहा था मेरे साथ कि एक दो बार लोगों ने पूछा कि How do you want to be remembered? और क्या कई चीज़ें करते हैं. मैं कहा मैं बस यही चाहता हूँ कि लोग कहें यार बढ़िया आदमी था. हाँ, that's it. बढ़िया. बेईमान नहीं था, सच्चा आदमी था. और वो फिर आप अगर वो आपका प्रिज्म है, वो हर चीज़ में रिफ्लेक्ट करेगा. वो आपके जो आप कहानियाँ सुनाएंगे, जो आप शिक्षा का काम करे, वो हर चीज़ में रिफ्लेक्ट करेगा और करना पड़ेगा उसको. Exactly. अगर प्रिज्म ही वहीं पे, अगर प्रिज्म है कि बढ़िया स्टोरी टेलर था या बढ़िया डायरेक्टर था, तो बढ़िया डायरेक्टर बनने के लिए हो सकता है कि आपको या ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए वो शॉर्टकट्स करने पड़े कंटेंट में या अपनी कहानी सुनाने में, कि थोड़ा सा टिटिलेटिंग कुछ डाल देते हैं तो ज़्यादा लोग सुन लेंगे. तो प्रिज्म बदल गया कि यार उसको तो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस की रीच थी, तो फिर उस तक पहुंचने के लिए जो कंटेंट के आजकल कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं कि चलो थोड़ा ये कर दिया जाए, तो आई कम्प्लीटली आई रिलेट टू यू. और ये जो गिविंग है ना, ये इतनी खूबसूरत क्वालिटी है जो भारत की परंपरा में है. शुरू से मेरे एक मेंटोर रहे हैं के एस नायर साहब जर्नलिज्म के दिनों में, तो वो हमेशा ये कहते थे इट इज़ नेसेसरी टू डू गुड बट इट्स ऑल्सो नेसेसरी टू बी सीन टू डू गुड सो दैट अदर्स एमुलेट. एंड तो वो फिर एक नए तरह के रोल मॉडल्स क्रिएट होंगे वेयर डिसेंसी इज इंसेंटिवाइज, जहाँ भलाई करना बेवकूफ़ी नहीं माना जाएगा. कि मैं से उसमें है कि जो जैसे मैं कई बार मजाक में कहता हूँ कि ये अजीब लोग, ये लोग मेरे माता पिता जैसे लोग, जो ये कौन लोग हैं जो रेलवे स्टेशन पे गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं या मोहल्लों को साफ़ करते हैं, जो कूड़ा पहाड़ में फेंक दिया जाता है, जो टूरिस्ट आके फेंक उसको साफ़ करते हैं, ये
जो जब लाइट जल रही होती तो उसको बंद कर देते हैं कमरे से निकलने के पहले, और जो पानी बह रहा होता है उसको खून खोल जाता है कि ये पानी क्यों वेस्ट हो रहा है। अगर हमने इन अजीब लोगों की सुनी होती तो आज हमारे समंदर, हमारी नदियाँ चोक नहीं कर रही होती प्लास्टिक से, आज आज दुनिया अलग होती। तो कहीं ना कहीं डिसेंसी को इंसेंटिवाइज करना, और हमारे आसपास ऐसे हर मोहल्ले में हीरोज़ भरे पड़े हैं, उनकी बात करना मुझे लगता तो बहुत ज़रूरी है। आप भी क्या ऐसी गिविंग की ट्रेडिशंस से आए हैं, क्या यही सीखा आपने? जो बच ऑफ कोर्स दादा दादी पापा वगैरह जब भी हाथ देते थे तो उनका जो टिल्ट होता था मंदिरों की तरफ ज़्यादा होता था, क्योंकि वो वो भी है ना कि लोग खाना खाने वहाँ आ रहे हैं, तो एक फलक्रम बन गया कि फिर जब जब स्थिति ख़राब हुई, पापा जी के बिजनेस डाउन हुए, और हम लोग बचपने की बात है, तो जब हम गरीबी से निकल रहे थे समझ लीजिए क्लास 4-5 से लेकर के 12 तक, जब तक मैंने देवघर झारखंड में मेरा जन्म हुआ तो वहाँ से छोड़ा, तो ये जो 7-8 साल हैं काफ़ी कठिनाई में गुजरे। पहले 5-6 साल तक वो रियलाइज़ नहीं हुआ, बट 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं आके आपको रियलाइज़ होने लगा कि हम गरीब हैं। वो मैंने अपने साथ रखा उस पैच को ना, हमेशा अपने साथ रखा, और मैं हमेशा उसको मैप करता रहता हूँ कि मुझे क्या क्या तकलीफें थी वहाँ पर। सबसे बड़ी तकलीफ थी कि बड़ी इच्छा थी कि हम बाहर जाएं, पढ़ें लिखें, कंट्री से बाहर जाएं। मतलब मेरी इच्छा उस समय थी US में जा कर के ग्रेजुएट करना, MBA करना, एक तो पढ़ाई की थी। दूसरी थी कि खाने पीने की टेंशन रहती कि भाई इस महीने का राशन कैसे आएगा, और तीसरी चिंता थी कि मतलब घर किराए में आ गए, किराया वराया कैसे भरेगा, मतलब अगर कोई बीमार पड़ गया तो उसका इलाज कैसे होगा, क्योंकि हैंड टू माउथ चल रहा है। तो ये डर थे हमेशा। तो ये फैक्टर्स को मैंने जो इम्प्रोवाइज़ करके ये रहा कि भाई कभी कोई इंसान मेरे पास आए कि मेरा ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा तो मेडिकल रिलेटेड, तो ये आए कि भाई मुझे घर का किराया खर्चा नहीं बैठ रहा, या कोई आए कि मेरे बच्चे को पढ़ाना है, मेरे बच्चे की शादी करनी, मतलब जहाँ पे आर्थिक मतलब मजबूरी आप, क्योंकि आगे चल के वो प्रॉब्लम भी आई थी कि मेरी बहनों की शादी कैसे होगी। तो वो हमेशा ये रहता था मेरे के कि ये 4-5-6 इश्यू पे मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा, मुझे कर लेना अगर मेरे में सामर्थ्य है तो, नहीं है उस दिन हाथ जोड़ लेंगे, ये मेरा एकदम बहुत क्लियर है कि भाई जब नहीं होगा तो हाथ जोड़ लेंगे, भाई नहीं है। सेल्फ इवॉल्व्ड जो है प्रिंसिपल्स हैं जिसको मेरे माँ बाप ने, मेरे पिताजी ने, मेरी मम्मी ने हमेशा बढ़ावा दिया कि नहीं तू कर तू कर, एंड दे ऑलवेज बिलीव्ड कि किसी के लिए काम आ जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। घर के लोग काम नहीं आ पाते हैं, तो काम आ जाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप उसकी ज़िंदगी से जुड़ गए, काम आ गए। और वहीं से जो एक प्रिंसिपल जो पिताजी ने डाला, क्योंकि वो तो उस पैच से निकले और उन्होंने उनकी अपनी जीवनी थी, बट उन्होंने ये बोला कि कुछ भी करना लेकिन धनोपार्जन मत छोड़ना, क्योंकि अगर अच्छे लोग धन नहीं कमाएंगे तो वो धन बुरे लोगों के पास जाएगा और दुनिया में और बुराई होगी। तो आप कमाएं और फिर दान दें, हॉस्पिटल बनवा लें, बेड बनवा लें, घर बनवा लें, 5 बच्चियों की शादी करवा लें, लेकिन कमाना मत छोड़ना इसलिए कि मेरी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम कमा सकते हो, तेरे में हुनर है, तो करना ज़रूर, रुकना मत। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मेरे एकदम दिमाग में फिट है, और वही मैं बच्चों को ही सिखाता हूँ या कोई कभी इंटरेक्ट करता है, जैसे आज भी अपन इंटरेक्ट करें तो ये बात निकल के आती है, या कभी यंग लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि एक क्रिएट अपॉर्चुनिटीज वेयर यू कैन अर्न, ग्रो, इन्वेस्ट, री इन्वेस्ट एंड ग्रो, लेट मनी वर्क फॉर यू, एंड द मोमेंट यू स्टार्ट अर्निंग मोर देन योर रिक्वायरमेंट, सी हाउ यू कैन हेल्प गिव बैक टू सोसाइटी। मुझ जैसे लोग ये सोचकर और ये कन्विंस्ड बड़े हुए कि वेल्थ क्रिएशन इज़ नॉट गुड, पैसा कमाना अच्छा नहीं है, और
बिजनेस अच्छा नहीं है, बिजनेस करने से कॉम्प्रोमाइज होते हैं। और मैंने कुछ 2-3 साल पहले रियलाइज़ किया कि गलत था। और मैंने जो मेरा जो ट्विटर बायो है उसकी पहली लाइन अब है कि डिसेंसी इज़ माई बिजनेस मॉडल। वो बिजनेस शब्द जोड़ने में मतलब कई बहुत साल लगे। तो और आपने जो कहा वो इसका काउंटर नैरेटिव है, वो बहुत बहुत ही रोचक है। पर उस पर आने से पहले हम आपके बचपन की ओर चलते हैं। हाउ डिड यू अराइव एट दैट? और ये जो सरस्वती जी और लक्ष्मी जी का कोएग्जिस्टेंस, जो ये माना जाता है कि क्रिएटिव आदमी तो फक्कड़ आदमी होता है, वो तो कुछ, मेरे पापा भी कहते हैं तुम्हारा बहुत पैसा आता रहता है पर तुम्हारे हाथ में छेद है वो जब जाता रहता है। तो कहाँ से शुरू हुई है कहानी बचपन में? रिजल्ट बचपन में जब जो याद आता है और अभी तक हम अपने साथ लेके चलते हैं, वो जो एक पैच था डिफिकल्ट टाइम का। जन्म कहाँ हुआ? जन्म मेरा देवघर झारखंड में है, पहले बिहार में होता था, संथाल परगना जिला कहा जाता था उसको। फिर बिहार के दो टुकड़े हुए झारखंड, तो झारखंड में देवघर चला गया, तो वहीं पला बड़ा। फर्स्ट 19 ईयर्स वहीं किया। उसके बाद फिर मैं वहाँ से निकल के जोधपुर आ गया। तो वो देवघर का समय कैसा था? हाँ, देवघर जो याद आता है, देवघर का समय बचपन, जहाँ जन्म ही हुआ, बचपन से सारे दोस्त हम लोग नर्सरी से साथ पढ़े हैं और बड़े हुए। कस्बा था, गांव था, छोटा शहर कह सकते हैं, गांव भी नहीं था लेकिन छोटा शहर था एक। वहाँ पे जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा वैद्यनाथ धाम का मंदिर है, तो सावन में बहुत मेला वाला लगता था, वहाँ कांवर लेके आते थे लोग। और शांत, इट वॉज लाइक ए मिनी हिल स्टेशन, पहाड़ थे चारों तरफ। और ख़ास करके बंगाल से जो लोग हैं वो लोग आते थे सर्दियों में, और बहुत अच्छा मौसम होता था उस समय। और बेसिकली लोग जो रहने वाले होते थे वो बोलते थे कि अरे यार देवघर में रहते हो मतलब बहुत लकी हो, वहाँ रह रहे हो, इतना अच्छा वेदर था, बाबा मंदिर था। और तो और स्कूल लकीली हमारी बहुत अच्छी थी, सेंट फ्रांसिस स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल मिली हमें। मैं आज भी मानता हूँ कि मैं जो कुछ भी हूँ स्कूल की वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा बेस तैयार किया था, चाहे वो डिबेट्स हों, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे राइटिंग स्किल्स हों, एक्सटेम्पोर हो, पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स में हों। और सबसे अच्छा जो डिसिप्लिन उन्होंने, उस समय हमें ख़राब लगता था कि यार हम हिंदी कैसे नहीं बोल सकते हैं, बट उन्होंने जो डिसिप्लिन डाला वो आगे चल के बहुत काम आया। और उस समय के टीचर्स वगैरह बहुत अच्छे थे। स्कूल में इंग्लिश था और घर में जनसत्ता था, प्रभाष जोशी जी का, तो पापा जी जनसत्ता पढ़ते थे, तो जनसत्ता अखबार आता। उनका नाम बताइए? बदीदास जी मुंडा। तो हिंदी हमारी प्रभाष जोशी जी ने तैयार करवाई और इंग्लिश सेंट फ्रांसिस स्कूल में। वहाँ के कोई टीचर्स के नाम? इंग्लिश में हमारे मतलब एक तो रॉय सर थे जो इंग्लिश पढ़ाते थे, उसके बाद एक जोसेफ सर करके थे, वो जो ज्योग्राफी पढ़ाते थे और हिस्ट्री पढ़ाते थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर्स में, अभी भी हैं वो वहीं हैं, स्ट्रिक्ट टीचर्स में एक थे। और डर लगता था, 2-3 साल हमारे क्लास टीचर भी रहे, मैथ्स की लिली मुखर्जी टीचर थी, बहुत बहुत प्यारी टीचर थी, वो मैथ्स पढ़ाती थी, फिजिक्स स्टीफन सर पढ़ाते, तो हिंदी सीताराम सर पढ़ाते थे। तो ऐसे सब टीचर्स के नाम भी आज तक हमें याद है। और हम 5 भाई में, तो पाँचों जाते थे उसी। आप किस नंबर पे हैं? मैं बीच में हूँ, तो एक लाइक मेरे ख्याल 5th-6th standard के बाद साइकिल मिल गई थी, तो हम तो साइकिल जाते, दोनों बहनें और छोटा भाई रिक्शा में जाते, साइकिल रिक्शा होता। तो पिताजी का क्या एरिया ऑफ वर्क? पापा जी बिजनेसमैन थे, बीड़ी पत्ते के व्यापारी थे, तेंदू पत्ता। तो हमारा पुश्तैनी जोधपुर में तंबाकू का बिजनेस था, तो परदादा जी से चला, परदादा जी के भी पिताजी वहाँ से, तो
फिर पापा जी का कुछ एक्सपेंशन का मूड हुआ तो जोधपुर से निकल के सीधा संताल परगना आ गए, वहाँ से कार लेकर के 1966 मेरे ख्याल से कार नॉट रॉन्ग मम्मी पापा जी दोनों आ गए। कार थी? हाँ कार लेके आ गए। कौन सी कार थी? एम्बेसडर थी। कौन सा कलर? नहीं पहली वाली शेवरले थी जिससे वो आए। अरे उसमें शेवरले मतलब उसके बाद जब वो निकाली तो फिर वाइट कलर की एम्बेसडर। तो और तीन फिर बाद में तीन जीप भी हुई। जीप का नाम ऐसे पापा जी ने ऐसे रखा हुआ था पहाड़ी नागिन और ये सभी ये सब जीप तो हम बोलते थे पहाड़ी नागिन को निकालो और ये वो। तो उनका बिजनेस था तेंदुपत्ते का, ठेकेदार थे और वो क्या है कि जंगल के ठेके लगते थे उसमें फिर आप तुड़वाते थे पत्ते और फिर पत्ते सूखते थे और जो भी आपका प्रोड्यूस होता था वो आप सेल करते थे और वापस नेक्स्ट सीजन में फिर वही कॉन्ट्रैक्टिंग होता। तो काफ़ी अच्छा काम चला 2-3 साल और ही रियली बिकेम बिग। और 1973 में मेरा जन्म हुआ और उस गर्मियों में हुआ 22 अप्रैल जब पत्तों का सीज़न होता है मतलब गर्मी उसमें लू चलती है वहाँ पे। तो पत्ते क्या तोड़ करके वो नदी के किनारे बैंक्स पे सुखाते हैं, वही एक तरीका होता है धूप में सुखाने का। और जिस दिन मेरा जन्म हुआ उस दिन पीक टाइम था, सब सूख रहे थे पत्ते। जिस दिन मेरा जन्म हुआ उस दिन कुछ आंधी तूफान ऐसे आए कि सारे पत्ते बह गए। एंड ही सफर्ड हिज बिगेस्ट लॉस दैट डे व्हेन आई वाज बोर्न। सो उसके बाद फिर वो उठ नहीं पाए क्योंकि वो एक्सपेंशन मोड में थे काफ़ी। ही वॉज वेरी बुलिश अबाउट बिजनेस। ही ऑलवेज फेल्ट दैट इफ यू हैव अर्नड लेट्स से 100 rupees दिस ईयर ट्राई टू मेक इट डबल और ट्रिपल, यू हैव टू एम बिगर। एंड दैट वॉज वन ऑफ हिज बिगेस्ट व्हाट यू मीन्स अ स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो लेफ्ट हिम इनटू अ वेरी प्रेकेरियस सिचुएशन बिकॉज उन्होंने इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर लिया था, विजन बना लिया था कि भाई अब 1973 के बाद हम ऐसा करें। सो दैट नाइट आई थिंक ही लॉस्ट मोर देन 22-25 lakhs इन 1973। इट वॉज ह्यूज एंड देन ही कुड नेवर कम अप फ्रॉम दैट पॉइंट। ही ट्राइड, ही ऑलवेज ट्राइड हिज बेस्ट बट ही कुड नेवर कम अप वन वे और अदर। एंड दैट वॉज द पॉइंट। बट क्या होता है कि अमीरी भी जाते जाते जाती है, गरीबी एकदम से आती है लेकिन अमीर जाते जाते जाती है। 5-7 साल तक आपको पता नहीं चलता है कि हाँ वह चली गई। तो हमें भी मतलब जब हम 5th-6th तक आए तब तक हमें रियलाइज़ होने लगा कि आर्थिक स्थिति ठीक किस तरह से पहाड़ी नागिन चली गई कभी कोई नागिन चली गई कभी कोई। तो ऐसा करते करते मतलब हमें पता चलने लगा वो। और बचपन में ये होता है कि बड़ा घर था, बहुत बड़ा घर था और फिर धीरे धीरे घर भी चला गया। तो और बचपन में क्या होता है कि आपको आपके जेब में काजू और किशमिश होती हैं और फिर धीरे धीरे मूंगफली की जगह ले लेते हैं तो आपको पता चलने लगता है कि यार ये क्या। बट टू बी फ्रैंक इनफ 8th standard तक कभी मन में ये रहा नहीं कि एहसास था कि भाई अब अच्छे दिन नहीं है लेकिन ख़राब नहीं लगता था मतलब ठीक है छोड़ दिया। बट समझ जब 8th-9th में जब हम समझ जाए 11-12 साल के हो गए अपने सॉरी 13-14 साल के हो गए आप तो आपको एहसास होने लगता है जैसे स्कूल एक्सकर्शन पे आप नहीं जा रहे हो क्योंकि फालतू पैसे हैं नहीं तो स्कूल में बहाना बनाते हो कि नहीं यार मेरा मन नहीं है और घर में है कि क्या ही तो मांगे और क्या ही तो पूछें। अब प्रॉब्लम यह होती थी कि 5 थे हम, एक एक्सकर्शन जाए तो उसका इंटू 5 times होगा क्योंकि फिर सबको मना नहीं होगा तो वो सब उसी स्कूल में सब हमें एक साथ एक के बाद एक के बाद एक के बाद मतलब मेरी दीदी मेरे से सीनियर थी भाई भैया फिर मैं उनके भी नाम बताइए। हाँ मेरी दीदी अंजू दीदी थी, अंजू दीदी के नीचे हरीश भैया, हरीश भैया के नीचे मैं और मेरे नीचे मीनू, मीनू के नीचे गिरीश। तो हरीश मनीष गिरीश ये तीन थे। जब आप ऊपर से नीचे आते हो ना तो आपको ज़्यादा समझ आती है ज़िंदगी, आप एक
नीचे ही रहते हो और वहाँ से धीरे धीरे ऊपर जाते हो तो आपको सब नॉर्मल लगता है बराबर। जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो एकदम से आपको झटका लगता है, रियलाइजेशन होता है कि यार व्हाट वाज आई एंड व्हाट इज दिस, सो देयर वाज अ डिफरेंस। वो जो डर, वो घबराहट, वो शर्म आपके साथ आती है एकदम से, और वो आपको रियलाइज कराती है कि ये होना नहीं चाहिए वापस। तो द बिगेस्ट थिंग व्हाट आई कुड लर्न फ्रॉम दैट पॉइंट टाइम कि यार जिंदगी में ना कभी मैं वापस ये स्थिति नहीं लाऊंगा, क्योंकि इट्स अ टॉर्चर, इट्स अ मेंटल टॉर्चर। कि गरीबी में जीना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। और मैंने ये तय किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इतनी मेहनत करूँगा कि मैं कभी वो स्थिति वापस नहीं आने दूँगा। दैट्स वेयर द होल आइडिया कि आप पढ़ो लिखोगे तो आप बेयर मिनिमम तो आप निकाल लोगे, आप अपने आराम से जी तो लोगे और इज्जत की ज़िंदगी जी लोगे। दूसरी लर्निंग मेरी थी कि मैं स्पेकुलेशन कभी नहीं करूँगा इन बिजनेस, इन लाइफ, बिकॉज स्पेकुलेशन कम्स कहीं ना कहीं फ्रॉम ग्रीड टू डू मोर इन वे लेस टाइम और ग्रो मोर और अर्न मोर इन लेसर टाइम, एंड दैट इज़ लाइक फाइंडिंग अ शॉर्टकट। एंड दैट वॉज ऑल्सो माई लर्निंग दैट देर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ, वट एवर यू थिंक इज अ शॉर्टकट एक्चुअली इज अ वेरी लॉन्ग कट, यू विल एंड अप समवेयर एल्स, बाय द टाइम यू रीच टू योर डिजायर्ड डेस्टिनेशन इट विल बी फर्दर मोर डिलेड। सो जनरली शॉर्टकट्स वट वी थिंक इन लाइफ स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू सम गोल्स और मनी और आइडियल सम स्टार्टअप वेर यू वॉन्ट टू रीच इट, डोंट टेक द शॉर्टकट, टेक द लॉन्ग रूट, विल बी स्लो स्टडी बट यू विल रीच देयर बिफोर टाइम, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। सो दीज आर सम द प्रिंसिपल्स विच लाइफ गेव मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन वी वेंट डाउन एंड वी कुड रियलाइज वी आर गोइंग डाउन। पर उसके पहले जो अमीरी के दिन थे वो याद है आपको? हाँ हाँ। कैसे थे? जैसे गाड़ियाँ थी, लोग आते जाते थे काफ़ी, मतलब रसोई बड़ी सी रसोई चलती थी, पता नहीं 7-8-10-15 लोग कोई आता था, 7-8-10-15 लोग का लंच मतलब बनता था। हम परिवार वालों के अलावा वो पहचान होती है कि आपका अच्छा मतलब आप, और हम परोसकारी करते थे वहाँ पे। मम्मी पापा ने हमें सब काम करवाया, चाहे अमीरी हो चाहे परोसकारी, मतलब जैसे उस समय क्या है? हाँ परोसना। अच्छा, वो क्या है कि डाइनिंग टेबल नहीं होती थी, हाँ। आसन लगते थे, पाटा लगता था लकड़ी का, उसको पीठा बोल जो भी बोलते, पीढ़ा बोलते हैं, पाटा हम पाटा बोलते हैं, वो लगाते थे, वो हमारा काम होता था। मेहमान आएंगे तो आसन लगाना, पीढ़ा लगाना, गिलास भर के रखनी है, लोटा रखना है, थाली जमानी है और परोसना है। हमारे घर में कांच के मर्दमान होते थे, बर्निया जिसको हम, उसमें काजू और एक में दांत ऐसे रहते थे, आप खुद ले लो, वो भी रईसी की पहचानी है, नहीं तो पहचान है नहीं तो रेशनिंग हो जाती है उसमें, हाँ। कि भाई वो ताले चाबी में चले जाते हैं, जब ज़रूरत होगी तो हम निकले। तो वो सारी चीज़ें से वो याद हैं, वो जेब में रखते थे हम, कई फसलों का गुड़ आता था नए, मतलब कई चीज़ें आती थी, और सर्दियों का रंग ही अलग होता था, रजाइयाँ नहीं, बिस्तरे अच्छे, दिवाली पे नए कपड़े मिलते थे, ये सब पहचान थी कि भाई सब अच्छा चल रहा है। और जब नेक्स्ट मतलब 4-5 दिवाली बाद भैया का कपड़ा आपको मिलने लगे, आपका कपड़ा छोटा भाई को मिलने लगे, थोड़ा साइजिंग करके, रीसाइजिंग बहुत चलता था उस समय, और जब नया भी बनता था तो उसमें इतनी गुंजाइश छोड़ी जाती थी कि वो 2-3-4 साल तक उसको उधेड़ उधेड़ के जो है उसकी साइज़ ठीक किया जाए, उसमें पैचेस बन जाते थे अगर आपको याद हो तो वो जब होने लगा तो आपको लगता था कि कुछ गड़बड़ है, समय बदल रहा है, हाँ। और बट वैसे मैंने कहा कि 9th-10th तक 8th तक हमें इतना एहसास नहीं हुआ। हमें आपस में भाई बहन बात करते थे क्या इस बार? हाँ, करते ही होंगे, बट हम कुछ अगर याद हो, हम मेरी दीदी बहुत समझदार थी, तो दीदी क्या है कि हमारी मॉनिटर थी घर की, क्योंकि 5 जन हैं, वो पढ़ने में भी अच्छी थी और डिसिप्लिन थे, तो शी वुड ऑलवेज टेल, ये सब बात नहीं करते हैं, यू नो पापा जी मेहनत कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। क्या सब बात? जैसे कि यार ये क्या यार, एक्सकर्शन तो जाना चाहिए, यार मुझे नहीं ऐसे ये करना, वो छोटी छोटी बातें हैं, या मुझे नई साइकिल चाहिए, 2-3 साल से चला रहा हूँ, ऐसी छोटे छोटे डिमांड। या सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी होती थी कि दीदी की किताब भाई को जाती थी,
भाई की किताब मेरे को आती थी, पर आगे दो भी तो मिलनी है। वो तो बेचारे है ही है, लेकिन क्या है कि मेरा मेरी परेशानी है तो मुझे किताबें नहीं दो भाई। अच्छा। जब मैं नया स्टैंडर्ड 8 में जा रहा हूँ तो स्टैंडर्ड 8 की मुझे पूरा किताब का सेट नया खरीद के ला के दो, जैसे और बच्चों को। हाँ, गत्ते लगवा देते थे। अच्छा अच्छा, वो जो एक आता था आदमी नई किताबों का, उसको सील देते थे ऐसे, हम बाइंडिंग जो बोलते हैं एकदम, वो जिल्द मतलब वो एक वो पुट्ठा बोलते थे उसको, क्योंकि वो गत्ते लगा करके उसको एकदम मोटा कर देते थे, वो बैग भारी हो जाता था। जो पतली किताबें हैं वो इतनी भारी हो जाती थी कि बैग में, तो वो बड़ी परेशानी थी हमारे कुछ घर की, कुछ ऐसी रीति रिवाज थे कि, और वो जब पुरानी हो जाए ना तो वो मोटी हो जाती थी, पेपर ना फैल जाती, किताब यूज़ करते करते भी खुल जाती है। पर उसका एडवांटेज भी था, उसका एडवांटेज ये था जो मेरे भाई ने मुझे सिखाया था। तो दीदी की जैसे मैथ्स की कॉपी है या इंग्लिश की कॉपी है, साल भर तो वो रखते थे क्योंकि एग्ज़ाम होते थे, बट उसके बाद हरीश भाई ले लेते थे कॉपी, इसको फेंकना मत, ये मेरे काम आएगी, मतलब अब उसमें सारे सॉल्व किए हुए प्रॉब्लम्स, ठीक है, उसमें सारा कुछ किया, और उनके क्वेश्चन पेपर्स, एग्ज़ाम ख़त्म हुआ भाई उसका क्वेश्चन पेपर लेके फाइल कर लेता था। तो जब मेरे पास वो आता था और मैं भी वही फाइलिंग करने लगा, तो जैसे फर्स्ट क्वार्टरली एग्जाम्स होते तो मैथ्स का जो सिलेबस है वो 4 साल तक तो एक ही रहता है, भाई ये पोर्शन है, तो क्वेश्चंस कितने डिफरेंट होंगे, मतलब 4 साल में तो क्या ही बदल जाएगा। तो हमारा काम ही होता है 4 साल क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो यही आएगा। और वो जो किताब होमवर्क वाली कॉपियाँ थी, जो एक्सरसाइज बुक्स थी, वो एक्सरसाइज बुक्स आपके पास रखो कि आप आगे चलो, टीचर आज पढ़ाने वाली वो आप पढ़ के जाओ वो करे, तो उससे हमें बहुत फ़ायदा। वो सबसे बड़ा एडवांटेज जो मैं आज भी याद करता हूँ कभी कभी, कि एक तो हमें मार्क्स इसलिए अच्छे आते थे क्योंकि हम हमारी तैयारी बड़ी अच्छी हो जाती थी। और जो ऐसे होते हैं कि जिसका कोई भाई नहीं बड़ा या बहन नहीं बड़ा, तो उसके लिए तो वो एक्सरसाइज नहीं है, उसके लिए क्वेश्चन पेपर नए हैं। बात यहाँ तक हो गई कि भैया मेरे इतने एक्सप्लोरेटिव थे कि वो दीदी से भी आगे 2 बैच के मांगने लगे क्वेश्चन पेपर, तो हो गया मतलब कि 5-6 साल का हो जाता, तो लोग हमारे पास आते थे कि भैया आप 5 साल का क्वेश्चन पेपर दो, हम भी सॉल्व करना है। तो एक तरीके का ये एक अलग ही कहानी थी वहाँ की, और ये बड़े परिवार का ये फ़ायदा था ज़रूर मेरे हिसाब से। जो ये जो जीवन गुजरा, ये जो 8-10 साल गुजरे तकलीफ में, कट तो गए, उस समय भी कट गए थे, और बट बहुत कुछ सिखा गए, बहुत कुछ सिखा गए, इन द सेंस कि डर, शर्म और गुस्सा। डर इस चीज़ का कि यार ये वापस नहीं होना चाहिए, मतलब कि जब कोई क्रिएटिव सोल होता है ना, उसको ना क्रिएटिविटी समझ में आती है, बट अगर उसके साथ आप एक चीज़ और चस्पा कर दो कि अब तुम्हें फाइनेंस भी समझना है कि यार कल का पैसा कहाँ से आएगा या 2 महीने बाद का पैसा कहाँ से आएगा, तो आधा दिमाग वो पागल हो जाता है, बोले यार ये करूँ या ये करूँ। बिल्कुल, तो वो बहुत ज़रूरी है कि उस हिस्से को आप काट के अलग करें, मतलब उसका सोल्यूशन अगर मिल जाए तो क्रिएटिविटी शायद पता नहीं कहीं और चली जाए। बिल्कुल, नहीं तो आधी एनर्जी तो उसको सॉल्व करने में लगती है कि राशन कहाँ से आएगा या सैलरी कहाँ से देंगे या घर कैसे चलेगा, जिसको हम संघर्ष बोलते हैं। तो मैंने कहा मुझे ऐसा संघर्ष नहीं करना, मैं ज़िंदा रखूँगा पैशन अपने अंदर, बट मेरे को स्ट्रगल नहीं करना है, मेरे को ज़िंदगी जीनी, बिकॉज स्ट्रगल में भी 20 साल अगर निकाल दो, 20 साल का जीवन तो गया ना, एक जर्नी तो गई, 20 साल बाद स्ट्रगल करके आप कहीं पहुंचते हो, फिर आप बोलते हो कि यार मुझे 20 साल लगे यहाँ तक पहुंचने में, तो ठीक है लोग तालियां बजाएंगे, लेकिन आपने 20 साल कैसे निकाले हैं? बिल्कुल, कितनी रातें हैं, मतलब 7,000 रातें हैं आपने कैसे निकाली होगी, वो आपका मिल जाएगा। और मैंने उसी समय डिसाइड किया था कि एजुकेशन इसकी, क्योंकि मैंने व्यापार करने की कोशिश करी उस उम्र में, 11th में 12th में। अच्छा, वो कैसे? मम्मी, और मम्मी का आइडिया था बट एग्जीक्यूट हमने किया, मम्मी बेल का शरबत बहुत अच्छा बनाती थी। मम्मी का तरीका क्या था कि बेल तो पकता ही था, उसके अलावा आम का वो जो है मिक्स करती थी बेल में। अच्छा, एंड विल टेस्ट टोटली डिफरेंट, मतलब समझ लो 80-20 रेशियो था, 80% बेल 20% आम, तो बेल के गुण आ गए और आम का स्वाद, आम का स्वाद, और बहुत ही अलग लेवल पे बनता था, और वो हमारे यहाँ ही बनता था। अच्छा, हमारे यहाँ दोनों आम का पेड़ भी था और बेल का पेड़ भी था। अच्छा, तो
तो हमने ये कहा कि ये बेचा जाए और शुरू किया इसको। ये क्या एक रिस्पॉन्स था आर्थिक स्थितियों को या शौक किया था? नहीं नहीं नहीं, ये तो क्या है कि बैठे रहते थे पापा जी का, एक और चीज़ होती थी कि विचार विमर्श करते थे। अच्छा। दे वुड इन्वॉल्व अस इवन बी बिंग, कभी कभी हमें लगता था यार हमें क्यों टेंशन दे रहे हो यार। बचपन में ऐसे ही लगता था कि यार डोंट डिस्कस दिस मैटर्स विद अस यार, रात में हमें नींद नहीं आ रही, नहीं प्रॉब्लम है तो तुम जानो वैसे। बट हाइंडसाइड में अभी लगता है कि वी ग्रू विद दैट होल थिंग दैट व्हाट इज नॉट गुड टू डू इन लाइफ एंड व्हाट इज व्हाट यू शुड नॉट डू इन लाइफ एंड व्हाट यू शुड फोकस ऑन। तो पापा जी ने काफ़ी बढ़ावा दिया कि करो। अच्छा। और इसमें जो भी दिमाग वो लगाने में तेज़ थे कि ये बॉटल यहाँ से आ जाएगी, ये सील करने वाला वहाँ से आ जाएगा, ये सब आ जाएगा, स्टिकर बनवा लेंगे, स्टिकर लग जाएगा, ये सब करके फिर हमारा ब्रांड नेम था बिलवाए, शिवाय की जगह बिलवाए, बिलवाए। तो उसके बैनर्स बनाना, आइस बॉक्स बनाना, सब घर में ही करते हैं लोग, पेंटिंग करना ये वो, और बना के बेचने लगे। बट उसमें प्रॉब्लम ये आ गई कि बनाओ आप, 3 दिन के बाद वो ख़राब हो जाए। और पापा जी का ये था कि भाई प्रिजर्वेटिव नहीं डालना, नहीं तो फिर मज़ा नहीं, इसको रखो नेचुरल। तो वहाँ हम फंस गए लॉन्गिटिविटी। तो फिर वहाँ पे मम्मी ने फिर आइडिया लगाया कि कॉन्सेंट्रेट बनाते हैं, कॉन्सेंट्रेट में प्रिजर्वेटिव डालने की ज़रूरत नहीं, इसको हम गर्म करके इसको कॉन्सेंट्रेट बना देते हैं, फिर जब चाहिए तब उसमें डाइल्यूट कर लेंगे। जैसे आज 100 बॉटल की डिमांड है तो 100 बॉटल ही बनाई, कल 200, तो फ्रेशनेस रहेगी। वो करके हमने शुरू किया, रोड साइड दुकान कर ली, बेचने लगे, सावन में दुकान करी, जहाँ पे कांवड़िए रास्ते से आते थे वहाँ करी। तो सावन में ये हो जाता था कि 1 महीने में हम पूरे साल का खर्चा निकाल लेते थे, 40-50 हज़ार रुपये कमा लेते थे। अच्छा। हाँ, उस ज़माने में, और 3,000 का कुछ 4,000 का घर का खर्चा था। तो वो पैसे भी मतलब इतना डर होता था कि मम्मी से पूछने की हिम्मत नहीं होती थी अब कितने बचे हैं। तो हम एस्टिमेट में यही रहते थे कि अभी सामान अभी गया है, 3 महीने हुए, तो अभी 9 महीने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 5वें, 6वें, 7वें महीने बाद मम्मी काउंटिंग शुरू कर, मैं बोले भाई इतना ही बची है, मैं कह रहे ऐसे कैसे, तो बोले एक वो चला गया, यहाँ चला गया, ऐसे खर्च हो गया ऐसे। तो वो तो क्या घर का खर्चा उससे चल रहा था? हाँ। अच्छा। फिर शुरू हुआ दीदी का ट्यूशन, क्योंकि वो पूरा नहीं पढ़ने लगा। तो दीदी जब मैं 9th में, तो वो 12th पास कर गई और ग्रेजुएशन कर गई, ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दीदी मैथ्स में अच्छी थी तो मैथ्स के ट्यूशन लेने शुरू कर दिया। ऐसे करके तो ये सब के दौरान ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये कब तक चलेगा, मतलब एक बिना पूंजी के धंधा नहीं हो रहा, बिजनेस नहीं हो रहा। जो भी मैंने ट्राई किया, कभी च्यवनप्राश बना करके बेचने की कोशिश, कभी बेल का शरबत, कभी साड़ियों का, मेरे चाचा जी का साड़ी की फैक्ट्री थी राजस्थान में, तो वहाँ से साड़ी ला के बेचने का, बट बिना कैपिटल के कुछ हो नहीं रहा था। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि अब कैपिटल तो आएगी नहीं, है नहीं, तो लेट मी स्टडी, मतलब मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ करके मैं जॉब शुरू करता हूँ, फिर वहाँ से मैं ग्रो करूँगा, मुझे और कोई रास्ता दिख नहीं रहा। और संघर्ष मैं कर नहीं सकता, मैं थक चुका हूँ, मैं मेरे को संघर्ष नहीं करना। निकल करके जोधपुर आया, जोधपुर आ करके फिर मैंने जोधपुर, क्योंकि दादी घर था। हाँ। तो जोधपुर आया तो वहाँ पे पापा जी नाराज़ हुए कि भाई तुम छोड़ करके जा रहे हो वैसे, और मैंने कहा नहीं मुझे पढ़ना है। बोले पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं, बिजनेस ही करना है, कि नहीं मुझे पढ़ना है। वहाँ से ट्रेन चलती थी उस समय। अब तक परिवार की स्थिति कैसी थी? स्थिति तो वैसी ही थी। हाँ, तो बट पापा जी ये था कि साथ में रहते हैं, बिजनेस करते हैं कुछ। मैं कह नहीं मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे समझ में आ गई बिना कैपिटल बिजनेस होगा नहीं, वो कैपिटल ऐसे आएगी नहीं, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई करके मैं कुछ प्रूव करूँ, कुछ जॉब करूँ, ऐसी स्थिति करूँ कि मैं, मुझे टेंशन में नहीं जीना। तो वहाँ से निकला, यहाँ आया, तो हावड़ा दिल्ली चलती थी, फिर ये ब्रॉडगेज, और फिर दिल्ली से पुरानी दिल्ली आता था, पुरानी दिल्ली से मीटर गेज चलती थी जोधपुर के लिए। तो यू हैव टू चेंज एंड करीब समझ लीजिए 2 दिन का सफ़र हो जाए, 36-37 घंटे का सफ़र हो जाता था। तो वहाँ से निकले, यहाँ पहुँचे, आई एम टॉकिंग 91-92,
जोधपुर, तो वहाँ से फ़ोन आ गया कि भैया ये तो निकला है यहाँ से। और दादी तो उसमें ये होता है, उस समय ये भी था कि आप कमाऊ कूत होता तो अच्छा लगता है, जब नहीं कमाई हो रही होती है तो ख़राब लगता है। तो वहाँ पहुँचे तो दादी ने बोला यहाँ क्यों आया है? मैंने कहा मुझे पढ़ना है। बोले कि खर्चा कौन उठाएगा तुम्हारा? मैंने कहा आप ही लोग उठाओगे अब तो। बोले ऐसे तो होता नहीं है। मैं ठीक है कुछ टाइम तो दो, अब वहाँ से निकला हूँ तो कुछ तो टाइम दो। तो वो झटका मुझे ज़िंदगी का बहुत बड़ा लगा जब मेरी दादी ने मुझसे ये पूछा कि तुम्हारा खर्चा कौन उठाएगा। मैं बड़ी उम्मीद से वहाँ से निकला था, अब वापस लौटना था तो उसमें भी हार का एहसास होता। हाँ, और मतलब मुझे पता था कि वो कुआं है तो ये खाई है, ये खाई है तो वो कुआं है, तो मैं कहीं फंसूंगा। तो मैंने कहा क्या, सॉरी, क्या जो ददिहाल से जो रिश्ते थे वो अब तक अच्छे थे और आर्थिक हालत अच्छी ना होने के कारण? रिश्ते बदल जाते हैं, बदल गए थे। रिश्ते बदल जाते हैं जब समय बदलता है। ये भी सीख मुझे बचपन से ही मिल गई। लोग आने कम हो गए, खाना बनना कम हो गया, चिट्ठियाँ कम आने लगी, फ़ोन कम आने लगे, बातें कम होने लगी। लोग बदल जाते हैं जब आपका समय बदलता है। जब आपकी आर्थिक स्थिति ख़राब होती है तो रिश्ते बदल जाते हैं। और ये तो मैंने अपने जीवन काल में पूरा सर्कल देख लिया। बहुत अच्छे से मुझे इस जीवन में सीख मिली है कि आप अपने पर भरोसा रखो और अपने साथ रहो, बाकी सब चलायमान है, आएंगे और जाएंगे आपके समय अनुसार। दादी से अटैच थे तब तक? पहले मैं अटैच था, पहले मुझे लगता था कि दैट इज़ माई नेक्स्ट हाउस। उस दिन के बाद से मेरा अटैचमेंट ख़त्म हो गया। मुझे लगा कि यार मैं तो बहुत उम्मीद से आया था। फिर 3-4 महीने मैंने छोड़ दिया दादी, रहने लगा किराए के कमरे में जोधपुर में। हाँ, ट्यूशन पढ़ाने लगा। उसमें मेरे साथ कई बार जैसे अब उस समय चाचा जी वगैरह सब की माली हालत अच्छी हो अच्छी थी, प्रॉस्पर कर रहे थे तो, बट मैं अलग हो गया था। और वहाँ से फिर मुझे लगा कि मुझे मेहनत करनी है और मुझे किसी के ऊपर रिलाई नहीं करना है। आई डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनीबडी, आई नीड टू बी डिपेंड माई सेल्फ एंड आई नीड टू वर्क हार्ड। मतलब वहाँ से मैंने बहुत मेहनत करी। बीच में 1-2 साल ऐसे भी आए जब मेरी नानी रहती थी बाड़मेर, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, मम्मी का फ़ोन आया वहाँ जाओ। नानी दही का दुकान चलाती थी, वहाँ गया बाड़मेर में। नानी को अपने पैर टूटने से ज़्यादा दही की दुकान बंद होने की ज़्यादा तकलीफ, ज़्यादा दर्द, ज़्यादा पीड़ा। मैं गया उनको देखने, वो बोले तू दही बेच, मेरी दुकान, मेरे ग्राहक जा रहे हैं सामने। उनमें वो बहुत पीड़ा उनको। मैं कहा तो भाई कमर में मेरे कुल्ले की हड्डी टूट गई थी, गिर गई थी, मेरे वहाँ का दर्द आपको नहीं समझ में आ रहा। और उनको वाकई समझ, वो उठ जाती थी कि दही जाओ, मेरे अरे आप उठ नहीं सकते। तो उन्होंने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करके दही दुकान पे बैठा दिया और मैंने ग्रेजुएशन वहीं से कंप्लीट कर ली। मतलब जोधपुर जाता एग्ज़ाम देने और भाड़ में रहता दही बेचता, महीने के 3-4 हज़ार रुपये कमा लेता, कुछ देवघर भेज देता, वहाँ घर भेज देता, कुछ अपने पास रखता। मुझे ध्यान है 92 ऑनवर्ड्स भगवान ने मुझे कभी कमी नहीं आने दी। उसमें 3 हज़ार रुपये बहुत होते थे, बिल्कुल। मतलब आप घर भी भेज रहे हो, 500 हज़ार रुपये आप बचा भी रहे हो, खाने को आप दही रोटी जितनी बार खाना खा लो। नानी जी की एक बाई लगाई थी, वो तो आती थी तो वो रोटी बना जाती थी, झाड़ू पोछा कर जाती थी। तो नानी अकेली रहती थी, नानी अकेली रहती थी। तो फिर मम्मी ले गई नानी को क्योंकि उनके ऑपरेशन वगैरह हुआ। तो एक इंडिपेंडेंस ही आ गई, बड़े घर में आप अकेले हो, दही की दुकान चला रहे हो, पढ़ाई भी करते हो बैठे बैठे दुकान में। तो उसके बाद से भगवान ने जैसे फिर मेरा MBA में भी जोधपुर में मेरे पास क्या उम्र थी तब 92 में आप समझ लो मैं 19 साल का। और फिर जब ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ 94 में ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ और 95 to 97 आई वाज इन MBA जोधपुर में। तो वहाँ पे जब जोधपुर शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि आप MBA कर रहे हो, तो जोधपुर शिफ्ट हो गया तो वापस दुकान बंद हो गई दही की। फिर यहाँ पे मैंने ट्यूशन लेने शुरू कर दिए और फिर एक इन्वेस्टमेंट कंपनी में मुझे जॉब मिल गई।
उनका जो इन्वेस्टमेंट बुलेटिन निकलता था उसको एडिट करना और स्टडी न्यूज़पेपर पढ़ के उसमें से न्यूज़ निकालना, तो मेरे मतलब का भी था और वो अच्छा काम मिल गया तो वहाँ से मेरा खर्चा निकल जाता बढ़िया से। ग्रेजुएशन जब मास्टर्स कर ली थी तो कैंपस इंटरव्यू में आदि बिला ग्रुप था वहाँ पे, तो वो जॉब लग गई मैनेजमेंट ट्रेनिंग की। आई हैड 5 promotions in 5 years एंड टू द पॉइंट वेयर इन 2002, मैं 97 से 2002 तक, 2002 आई वॉज वर्किंग विद देवू भट्टाचार्य, 2001 देवू भट्टाचार्य वॉज अ वाइस चेयरमैन ऑफ होल आदि बिला ग्रुप and had a direct interaction with Kumar Mangalam Birla. So I was to that position in 5 years because of my hard work. बहुत मेहनत करी और बहुत बहुत कुछ नया सीखा और बहुत मेरा कोर था बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड ग्रोथ एक्विजिशन, तो बिजनेस मॉडलिंग करना, एक्सेल शीट्स वगैरह और एनालाइज करना, और मेरी जो ट्रेनिंग हुई थी पूरी सिक्योरिटी मार्केट में, जो अखबार एडिट करता था वहाँ से लेकर के डेटा एनालिसिस वगैरह, तो वो काफ़ी काम आया। वो मुझे बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ाया, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो और स्कूल से ना डिबेटिंग एक्सटेम्पोर ये सब सीखने से क्या, आप आई वॉज नॉट शाई, एक्सप्रेसिव था, कहीं भी खड़ा कर दो, और आर्टिस्टिक में पहले से था भगवान, तो स्लाइड प्रेजेंटेशन में क्रिएटिविटी है ये वो। तो क्या होता था कि जैसे मेरा बॉस और मैं गए उनके बॉस के प्रेजेंटेशन करने, तो बिकॉज आई वॉज मेकिंग दोस आई वॉज प्रेजेंटिंग इट, नज़र आप पे आती, तो उनका बॉस मेरे को बुला लेता कि भाई इसको दे दो, तुम जा रहे हो तो इसको भेज दो। उसके बाद उनका बॉस मुझे पकड़ ले, तो तीन बॉस मेरे से चेंज हो गए 3 साल में ग्रोथ के साथ में। फिर तो बेसिकली 5 कंपनीज में काम किया बिरला जी की। उसके बाद आई बिकेम DGM, बॉम्बे में पोस्टिंग थी मेरी, अंधेरी में रहता था, नरीमन पॉइंट ऑफिस था, ट्रेन से आता था फास्ट ट्रेन से, तो उस समय मेरी सैलरी कुछ 50-1 हज़ार होगी प्लस हाउस, 10 हज़ार का कुछ घर मिलता था अंधेरी में किराए पे, तो बॉम्बे में प्लस हाउस वाज गुड थिंग, लाइक अरे यार घर मिल रहा है तो फिर ठीक है, बट ये 50 हज़ार में खाना वाना खर्चा वर्चा सब निकाल करके टैक्स वैक्स काट के महीने के 15 हज़ार नहीं बचते थे, और साल के समझ लो अब 2-2.5 लाख अगर बचते भी थे तो कोई एक मोटा खर्चा आ जाता था घर की तरफ से, वो चले जाते थे। तो मेरी 5 साल की सर्विस में 5 promotion थे और 0 balance था, एंड आई वॉज थिंकिंग कि यार काम अच्छा कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, डेजिग्नेशन है, प्रमोशन इससे ज़्यादा हो नहीं सकता, इससे ज़्यादा मैं काम कर नहीं सकता, सैटरडे संडे भी मैं काम करता हूँ, माई बैलेंस इज़ ज़ीरो। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव था लाइफ में कि मुझे ये स्थिति नहीं आनी है, मेरे को मतलब आई एम आफ्टर 5 years ऑफ प्रोफेशनल वर्क इफ द अकाउंट इज़ ज़ीरो, खाली जो टैक्स के लिए पैसे बचाते थे ना, वो टैक्स सेविंग के लिए आपको कुछ करना पड़ता था, LIC, NS, किसान विकास पत्र या इंदिरा विकास पत्र में आपको सेविंग करनी, तो वो जो 40-50 हज़ार रुपये साल के कुछ ऐसा सेविंग करनी पड़ती थी, ये इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, वो सेविंग होती थी, उनको देखते रहते थे सर्टिफिकेट को कि यार ये है हमारी सेविंग। तो मैंने डिसाइड किया कि अब बाहर जाना पड़ेगा, मतलब ये हिंदुस्तान में कुछ होगा नहीं तो हम यही करते रह जाएंगे। और फिर क्या होता है कि 5-7 साल बाद आपको लगता है कि घर भी होना चाहिए, फिर EMI पे घर ले लोगे आप, फिर EMI भरते रहोगे, फिर आप तो बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए EMI लोग, ज़िंदगी मेरे को समझ में आ गई कि यार ये उलट फेर वाली ज़िंदगी, आप उलझ के रह जाओगे यहाँ पे। फिर मैं जो 2002 में बाहर गया इंडोनेशिया, इंडोरामा में ज्वाइन किया, तब से मैं इंडोरामा में ही वहीं काम कर रहा हूँ, उनके साथ ही ग्रो हुआ, उस कंपनी के साथ ग्रो हुआ 2002 से अभी तक में। तो वहाँ से मेरी सेविंग शुरू हुई, मतलब जिस पैकेज में मैं गया तो हम टॉकिंग 2002 मुझे करीब 50-60 हज़ार रुपये महीना बचने लगा, खर्चा खाता सब निकाल के, मतलब इट वॉज बिग मनी, मतलब समझ लो 6-7 लाख साल का, तो यहाँ की सैलरी थी उतना बचाना, हाँ, और टैक्स फ्री क्योंकि फॉरेन इनकम है, टैक्स फ्री, तो रकम दिखने लगी बैंक में, मतलब, और वहाँ पर भी मैंने मेहनत उतनी ही शुरू करी। तो जो बॉस थे हमारे SP लोहिया साहब, उन्होंने मतलब भाई सैलरी डबल कर दी, मुझे ग्रोथ एवेन्यूज दी, और हम
कंपनी के उस समय से बाद हम ग्रो करने लगे, कंपनी और हम ग्रो करने लगे, तो डेढ़ साल में तो पैसा दिखने लगा, मतलब बैंक में पैसा दिखने लगा, 20-25 लाख ऐसे ही दिखने लगे बैंक में। तब मैंने पापा जी को फ़ोन किया और मैंने बोला कि आप एक लिस्ट बनाओ। बोले कौन सी लिस्ट? मैंने कहा कि आपने किन किन से पैसे लिए अपने ख़राब टाइम में, वो लिस्ट बना के भेजो। तो उन्होंने ही गॉट वेरी इमोशनल, ही सेड व्हाट आर यू टॉकिंग, ही न्यू वेयर आई वाज गोइंग। तो बोले कि क्या बात कर। मैंने कहा नहीं, अपने को ये पैसे लौटाने हैं और हमारे पास है अब, तो आगे अभी लौटाए नहीं थे, नहीं क्योंकि हमारे पास थे ही नहीं। तो एक साल जब जमा हो गए तो एक तसल्ली सी हुई कि भाई हाँ, और मुझे पता था 7-8-10 लाख से ज़्यादा नहीं है जो भी पैसा है। दोनों लिस्ट बनाई और सब दोस्त रिश्तेदारी थे पापा जी के, कोई मामा कोई चाचा कोई काइट ये वो। तो पहला काम ये किया कि अमाउंट पापा जी को ट्रांसफ़र कर दिया, पापा जी ये सबके आप दे दो। फ्रॉम देयर अ न्यू लाइफ बिगैन एंड आई विद गॉड्स ग्रेस अगेन आई ऑलवेज पॉइंट दैट आई एम वेरी आई एम द मोस्ट फेवर्ड चाइल्ड ऑफ गॉड व्हेन आई सी ऑल अराउंड माई सेल्फ। भगवान ने मुझे, मैं बताया उसमें कि 1992 के बाद से कभी तकलीफ में नहीं रखा, क्योंकि 1992 मैंने भगवान को इतनी गालियाँ दे दी थी रात में कि यार अगर तुम्हें मुझे यही ज़िंदगी देनी तो तू पैदा ही क्यों किया। मतलब मुझे एक बात हो तो मुझे इतना क्यों डर लगता, इतनी क्यों टेंशन दी मुझे। मतलब अगर गरीबी बना तो ये टेंशन ना दे, गरीब होते हैं लोग बेचारे, मेहनत करते हैं चुपचाप रहते हैं, बट रात में करवटें बदलना, गुस्सा करना, ये वो, तुम ऐसा क्यों। अंदर आग थी, मेरे अंदर एक आग थी जो मुझे पता था कि मेरे अंदर आग है। मैं देखता हूँ भगवान एनर्जी को, देखता हूँ मैं कैसे वो मेरे को उठा के सही रास्ते पे डालते हैं आज तक। अगर मैं कोई गलत फैसला भी ले रहा हूँ तो पता नहीं क्या होगा और मुझे कुछ इशारा आएगा, कुछ ऐसा होगा कि नहीं ये नहीं करते हैं, ये करते हैं। 25 साल पहले भी मैं लोगों से बोलता था कि मैं फिल्में बनाऊंगा, मुझे फिल्म इंडस्ट्री से बहुत लगाव है। वो लोग याद रखते हैं और वो लोग बोलते हैं कि यार मुझे याद है तुमसे मैं बात करते थे। या मैं देव भट्टाचार्य को कई बार बोला था कि आई विल क्रिएट अ बिग कंपनी, बिग कॉर्पोरेट वर्ल्ड आई, एंड हम बैठ के डिस्कशन करते हैं कि ये विजन है, ये इसको एक्सपैंड करो, इसको मर्ज करो, इसको ये करो वो करो। तो ही वुड ऑलवेज से कि यू विल डू समथिंग बिग। व्हेन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, व्हेन आई गॉट माय कैनवास, we did great in Africa, we created a big company, a big petrochemical company. 20 years, 2005 I went to Africa, and 17-18 years now, and we have grown every year on year. And that's again, I always tell that it's been lucky enough that I got this opportunity to do it. And I became CEO by the age of 32, and that gave me a lot of confidence. Of course, financially, when you start becoming stronger and stronger, पहले आप घर के खड्डे भरे, फिर आप बाहर के खड्डे भर लिए, फिर और भी कुछ बाहर, फिर इन्वेस्टमेंट शुरू किया आपने, फिर इन्वेस्टमेंट का 2 रिंग शुरू हो गया, 3 रिंग, और स्पेकुलेशन करना नहीं तो लैंड, बिल्डिंग, सोना, ये इन्वेस्टमेंट होता था मेरा। यू क्रिएट एन इन्वेस्टमेंट पैटर्न की उसमें पापा जी फिर बोलते थे क्यों ले रहा है, मैं कह पापा जी कभी बुरे वक्त में काम आएगा। पापा जी ने कभी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया था, अच्छे दिनों में भी नहीं लिया। तो दैट वाज आल्सो माय लर्निंग कि जब भी अच्छे दिन चल रहे हों तो आप इन्वेस्टमेंट करो, लेट मनी वर्क फॉर यू। आफ्टर ए पॉइंट यू शुड जस्ट एन्जॉय एंड वर्क फॉर पैशन, मनी शुड वर्क फॉर यू। तो जो बेसिक करंट इनकम है वो पैसे से आना चाहिए, पैसा कमा के देगा आपको पैसा। आप क्या करोगे कि आप जो पैशनेट जिस चीज़ पे हो, जिस चीज़ पे आपको काम करना, 40-45 के बाद यू शुड नॉट वर्क फॉर मनी, इफ यू वर्क फॉर पैशन यू विल लिव योर लाइफ एज पर व्हाट यू वांटेड ऑलवेज। इफ यू वांट टू बिकम ए पेंटर, बिकम पेंटर, यू वांट टू बिकम ट्रैवलर, फोटोग्राफर, फिल्म मेकर, राइटर, सोशल वर्कर, एनीथिंग, व्हाटएवर यू आर पैशनेट अबाउट, टीचिंग, डू दैट एंड यू हैव इनफ टाइम फ्रॉम 25 to 40, 45, 20 years to earn as much money as you can, to give you and invest it properly, to give you a current income which should suffice for your current expenses. घर का खर्चा
उसके ब्याज से, जो व्हेन मनी वर्क्स फॉर मनी इट इज़ लाइक ब्याज और रेंट इनकम या जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हो रखे हैं कोई बिजनेस में आपने छोटा मोटा कर दिया, इधर उधर. सो यू नो लॉन्गर आफ्टर 40-45 डिपेंड अपॉन वेयर यू आर, मे बी 40 मे बी 45, यू शुड नॉट वर्क फॉर मनी, यू शुड नॉट वर्क फॉर EMI, यू शुड नॉट वर्क फॉर कि बच्चों को पढ़ाना है इसलिए मैं काम कर रहा हूँ. यू शुड वर्क ओनली फॉर योर पैशन. नाउ दैट पैशन कैन बी यू वॉन्ट बिकम ए बिग कॉर्पोरेट लीडर, दैट्स फाइन, स्टिल वर्किंग एज ए कॉर्पोरेट गाय. बट उसके साथ भी जो पैशन है, जो मैं बोलता भी रहता हूँ कि जिंदगी एक जर्नी है, एक सफ़र है, गोल पोस्ट होता नहीं है उसमें. हम बना लेते हैं ताकि हमें थोड़ा रेस्ट करने का मौका मिले, तो हम गोल पोस्ट बना लेते हैं कि 10 लाख हो जाएंगे तो मैं थोड़ा आराम कर लूँगा, या एक घर बन जाएगा तो मैं कुछ कर लूँगा. वी मेक गोल पोस्ट, या एक फिल्म को नेशनल अवार्ड मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी. तो नेशनल अवार्ड मिल जाता है तो आपको लगता है कि यू हैव अचीव्ड, क्योंकि आपने गोल पोस्ट क्रॉस किया. देन वॉट यू डू, यू ऑलवेज ट्राई फॉर द नेक्स्ट, राइट? सो बेसिकली यू आर जस्ट चेंजिंग द गोल पोस्ट और ड्राॅइंग मोर गोल पोस्ट इन लाइफ. बट असल ज़िंदगी तो वो सफ़र है, जहाँ तक आपने नेशनल अवार्ड हासिल करने के लिए जो आपने स्क्रिप्ट लिखी है या सेलेक्ट की है या डायरेक्शन किया है या बनाया है, तो वो जो प्रोसेस उसको एन्जॉय करना है, दैट्स लाइफ, राइट? रीचिंग एंड गेटिंग ए नेशनल अवार्ड ऑन द स्टेज इज़ नॉट लाइफ, दैट इज़ जस्ट पार्ट ऑफ दैट 20-minute सागा ऑफ 4 years ऑफ योर जर्नी. ऑफ कोर्स दैट इज़ रिकग्नाइज बिकॉज लोग देखते हैं उसको, जो 4 साल की मेहनत है लोग देखते नहीं. तो मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी अपने आप में एक सफ़र है. बट जो यंग लोग होते हैं उनसे जो बात है, मैंने कहा कि 25 तक आप पढ़ाई करें, पार्टी ना करें. 25 से 40 आप दोनों करें, मेहनत करें, पार्टियां करें, घूमें फिरें, मस्ती करें ज़िंदगी के, बट मेहनत बहुत करें, पैसा बहुत कमाएं, पैसा बहुत बचाएं. 40-45 तक आप पैसा बचा लें, उसके बाद फिर अपना पैशन जो आपके अंदर आप ज़िंदा रखते हैं उसको जिए, तो ज़िंदगी कम्प्लीट सर्कल बनेगी. आपको लगे हमने पूरा जी लिया, जी भर के जी लिया, मतलब 40 तक अगर आप समृद्ध हो जाओ, टेंशन फ्री हो जाओ पैसे, उसके बाद जीने का एक अलग आनंद है. मतलब एक आपको प्रूव करना नहीं होता, आपको किसी के ऊपर इम्प्रेशन नहीं जानना होता, आपको बहुत कुछ नहीं आडंबर रचाना होता, स्वाग नहीं रचाना होता, और आप अपने में रहते हो, मस्ती से रहते हो, और आपको पता है कि बेयर मिनिमम आपने कर रखा है, तो टेंशन भी नहीं रहती आपको. नहीं तो 24-25 करियर की चिंता, डेजिग्नेशन की चिंता, प्रमोशन की चिंता, घर की चिंता, कई टेंशन्स रहती हैं, शादी की चिंता. 40-42 के बाद आपको, और उस समय बच्चे भी थोड़े छोटे ही रहते हैं, मतलब 14-15 साल के बच्चे होते हैं, 12 साल के बच्चे, तो 8-10 साल आप 40-50-55 मैं मानता हूँ कि मतलब बेस्ट पीरियड होता है फॉर मैन इफ़ दे प्लान इट वेरी वेल. एंड आई वॉज लकी इनफ टू बी अवेयर ऑफ दिस थिंग फार अहेड. एंड It's only after 40 that I started evolving, जो मैं evolving की बात कर रहा था, लाइफ को समझने की, जीवन का सत्य समझने की, philosophy of why we are here, why certain things should be done, why certain things should not be done, logic of life, what is, you know, humanity, why helping others, why whatever is happening to me is happening, वट शुड बी प्रारब्ध क्या है, गंतव्य क्या है, जर्नी क्या है, क्यों मतलब ज़िंदगी में किसी का काम आ जाना एक बहुत बड़ी बात होती है अपने लिए, या लोग अगर आपकी तरफ देखते हैं कि आप कुछ करोगे तो वो क्यों बहुत बड़ी बात है, मतलब आप बहुत लकी हो कि आप में इतना सामर्थ्य है कि आप कर पा रहे हो. आप अगर आप उसमें ये भी देख लेना कि कई बार हम काम ऐसा कर लेते थे कि लोग इस चक्कर में हमारे ताली बजाएंगे, अब आप सिर्फ इसलिए करते हो कि इच्छा है करने की. और ना जैसे ये भी बोला था कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो हम कहें नहीं जंगल में ही नाचना है, जिसको आना होगा देख लेगा, आ जाएगा, नहीं आना होगा तो मेरे को नाचना है. तो दोज फिलोसफीज हैव चेंज, दोज आइडियोलॉजीज हैव चेंज, एंड दैट हैज गिवन लॉट ऑफ पीस टू. जब आप मैदान में उतरते हो किसी को बिना प्रूव, मतलब प्रूव नहीं करना है, तो आधी एनर्जी तो वहीं कंजर्व कर लेते हो. क्योंकि नॉर्मल दिन में हम क्रिकेट खेलते हैं और मैच में क्रिकेट खेलते हैं, मैच में ज़्यादा एनर्जी लगती है क्योंकि हमको टेंशन रहती है कि वी हैव टू विन, मुझे आज परफॉर्म करना है, या आज जो अगेंस्ट वाली टीम के सामने जो 6 लगाना है. यू रियली स्पेंड लॉट ऑफ एनर्जी आउट ऑफ इट.
उसमें रनिंग बिटवीन द पिच भी बड़ा डिफिकल्ट हो जाता था, नहीं तो नॉर्मली आप 3 रन भी ले लेते हो, अभी हाँफ जाते 2 रन में, क्योंकि आपके अंदर एक घबराहट भी है, टेंशन भी है कि रन आउट नहीं हो जाऊँ मैं, ये नहीं होगा। वही फ़र्क ज़िंदगी का है कि जब आप इतनी ज़्यादा प्रिटेंस और आर्टिफिशियलिटी और सुपरफिशियलिटी लेकर के जब बैठे होते हो मुखौटे लगा लगा करके, आपकी आधी से ज़्यादा एनर्जी तो उसमें जाती है, फिर बचती क्या खुद के लिए। और जब आप बिल्कुल ही सब मुखौटे उतार के परते हटा करके आप खड़े हो जाते भाई ये हूँ मैं, तो बहुत आसान हो जाता है, बहुत कम एनर्जी लगती है, फिर आपको कोई चीज़ जल्दी परेशान भी नहीं करती, किसी चीज़ की ईर्ष्या नहीं होती। नहीं तो पहले ये होता था कि आपने अगर प्रमोशन मिला है तो आप खुश हो, नहीं पता चला उसको भी मिल गया तो आप दुखी हो जाते हो, अरे जब तक आपके पास वो न्यूज़ नहीं आई थी यू आर सुपर हैप्पी, एंड एज सून एज दैट न्यूज़ केम कि उसका भी हो गया है तो यू सडनली फील दैट ओके ठीक है यार ऐसा कुछ, वी सो रॉन्ग, बट उसका एहसास बाद में होता जब आगे चल के आते हो कि आप अपनी चीज़ से खुश रहो। और अगर आपको प्रमोशन नहीं मिला है तो भी आप ठीक थे, लेकिन उसको मिल गया है तो आपकी दुविधा बहुत ज़्यादा, दुख बहुत ज़्यादा होता था, बट अब नहीं होता ऐसा। इन सब से बाहर आना मेरे लिए बहुत, इट्स लाइक हैविंग अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। एक एक करके सपने पूरे कर लो, मतलब टू द पॉइंट में सच बता रहा हूँ, आप हंसोगे मेरे पे, और मेरे कई जो जानकार है वो हंसते हैं, मेरे पास सपने नहीं बचे, मेरे पास सपने नहीं है। अब एक फिल्म जैसे मैंने डायरेक्ट कर ली, तो 2 कर लो 3 कर लो, एक बार टिक हो गया ही हो गया, तो आपने अगर एक बार आंखों देखी बना ली बना लिया, अब उसके बाद न्यूटन बनाई मसान बनाई आंखों देख वेटिंग ठीक है, लेकिन बना लिया आपने एक बार, टिक हो गया। पहले मन में तमन्ना रहती थी 40-42 तक, मुझे याद है 43 तक मुझे याद है कि ऑस्कर जीतना है। आप मेरे पुराने अगर इंटरव्यू उठाएंगे आपसे, मैं खुद देखता हूँ तो मैं, अब मैं कभी नहीं लगता, हमें लगता अच्छी फिल्म बनाएंगे, वो लगता है कि यार यार अच्छी फिल्म बनाएंगे, ऐसी फिल्म बनाएंगे जो लोग खुश हो जाए मज़ा आ जाए, बट ये मन में नहीं आता कि ऑस्कर मिल जाए, वो भी ख़त्म हो गया, जीवन एक तो आसान हो गया, और दूसरा फिर वही मैं जो पहली बात में सपने नहीं रहे कि भाई ये बच गया। जब आप अपने सारे सपने पूरे कर लो, खालीपन रहता है लेकिन एक सेटिस्फैक्शन भी रहता है कि ठीक है कर लिया, अब कुछ नहीं, अब तैयार है। मुझे ना आई थिंक इंटरोगेटर होना चाहिए था हाँ, दिल से दिल जब मिलता है और आप स्पेस छोड़ देते हो ना तो ग्रह खुलती है, और वो बहुत अच्छी चीज़ है आप में, जो आप छू के छोड़ देते हो वहाँ पे, और फिर लोग अपने आप गांठें खोलते हैं। वो मुझे लगता है कि हमेशा स्लो इंटरव्यू की तरफ मुझे आकर्षित करता है कि आप कहीं एक बस छू के छोड़ देते हो और फिर लोग अपने आप अपनी गिरहें खोलते हैं, अपने आप को खोलते हैं, और उसी में मज़ेदारी है, उसी में, क्योंकि एक तो अनस्क्रिप्टेड है तो यू नेवर नो विच डायरेक्शन द फ्लो, मतलब वो है ना कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चलती तो वो किस तरफ जाएगा, पर जिस तरफ भी जाएगा खूबसूरत ही होगा।